ونصلي على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الامين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المتقين المخلصين اما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنا وأن عليه نشأة أخرى. صدق الله مولانا العظيم. مزز مشايخ وعلماء الكرام. من معناني برمي قدر مزرات موتا كفين लजीज़ तलबा वाल और शर्क से गर्ब तक अतराफों अकनाफ आलम में सनई और बसरी जरिया से हमारी इन मजाले से एहतिकाफ में जमी शर्क हजरात ख़वाी रब इज़्ज़त का शुक्र है जिसने हमें इस मुबारक महीने की आखिरी अशरे की ये मुबारक राहतें अदापी और ये आखिरी अशरा हर साल जहां खलवत होता है वहाँ रूहानी तरबियत गाह भी होता है और इन अयाम में इंफरादी और इज्तमाही तौर पर हर दो तरीक से सब हाजरीन को और हाजिरात को खुद शनासी और खुदा शनासी का सबक मिलता है खुद को पहचाने और अपने मौला को पहचाने इस हवाले से इस साल की पहली छह रातों में जो मौजू तखब किया गया था और जिस पर आज चौथी मजलिस है हमारी गुफ्तु की खुदा को क्यों माने और मजहब को क्यों अपनाए इसके लिए मैंने कुरान मजीद का इम और दौरे जदीद की साइंसी तहकीकत के जरिए तस्दीक इस राह को अपनाया कुरान का दावा और साइंस का एतराब इससे बेहतर इस कजिया को इस इशू को समझने की अकली तौर पर मंत्र की तौर पर और पूरी वजाहत व सराहत के साथ वसूख के साथ कोई और तरीक नहीं है जैसा कि मैं हर रात कहता हूं इस सिलसिले में फोकस कुरानी मजीद पर करने की जरूरत है आपके पास कुरान मजीद का तर्जमा उर्दू तर्जमा इम्फान कुरान तो पहले मौजूद है जरूरत इस अम्र की है कि इसको हर रोज बिला नागा पढ़ें इरफानल कुरान का तर्जमा जो जरूरी तोजीहात और तशरीहात के साथ है उसे पढ़ें और उसके जरिए कुरान को समझें और कुरान के दिए हुए फिक्र इल्म को तदब्बर और तफक्कुर की राह से अपने में और अपने दिमाग में उतारें अब यही अमल था आपको मालूम है कि इस इरफान कुरान का इंग्लिश वर्जन आज से कोई सत्रह साल पहले छप गया था द ग्लोरियस कुरान मगर जमाना गुजरने के साथ साथ नई नस्लें आसान से आसान तर जुबान और अदब की आदि होती चली जाती इस वक्त जो कंटेप्रेरी इंग्लिश लैंग्वेज थी मौजूदा दौर में पूरी मगरबी दुनिया में पढ़ी और बोली जाने वाली अंग्रेजी जुबान और उसका जो नया उसलूब जो स्कूल के बच्चे भी समझ सकें और उन्हें किसी एक लफ्ज का माना भी समझने के लिए किसी की तरफ रुझू न करना पड़े पूरे आलम इस्लाम और आलम इंसानियत की इस जरूरत को सामने रखते हुए फिर मैंने नया एक और तर्जमा किया हिरास्त, इंग्लिश में यह आपके सामने है जिसके तर्ज में आप रात को स्क्रीन पे देखते हैं द मैनीफेस्ट कुरआन ये ये लिखा हुआ पड़ा है आज का फ्रेज बाय फ्रेज है और इस वक्त की दुनिया की कंटेप्रेरी लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज में जो उर्दू पढ़ने वाले हैं वो उर्दू में पढ़ें तदब्बर करें कुरानी मजीद को और जिन्हें इंग्लिश में पढ़ने की सहूलत है उर्दू नहीं समझते उनके लिए द मैनिफेस्ट कुरान का एक नया तर्जमा सत्रह 18 साल के बाद मैंने अब किया इस पर दो साल लगाए मगर जरूरी है कि कुरानी मजीद से जुड़े और कुरान के इल्म से जुड़े और हर सवाल का जवाब मजीद के इल्म से तलब करें। यह असल सोर्स ऑफ गाइडेंस है क्योंकि तो कुरान मजीद अपने बयान को शुरू ही इस मैसेज से करता है, है जहा किताब ला रही बफी सराह बकरा में यह वो किताब है जिसमें किसी शक की गुंजाइश ही नहीं दुनिया की कोई मजहबी किताब याद रखने कोई मजहबी किताब अपना आगाज इस चैलेंज के साथ नहीं करती आज हमारी मजलिस में मिस्टर यूसुफ फा आए हैं जो बहुत सारी चाइनीज कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं और उनकी बड़ी तफसीलात लिखी हुई मेरे पास आई है सो आई वेलकम आवर ब्रदर जो इन दिस प्रेजेंस इन दिस इज़ डेफिनेटली सोर्स ऑफ प्लेयर फॉर आस बाकी जितने मेहमान है ग्रामी कदर मुख्तलिफ इदारों से आए हैं सार्क चैम्बर ऑफ कॉमर्स से आए हैं पाकिस्तान इंडस्ट्रियल एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन से और दीगर मुख्तलिफ इधारों से सबको खुश आमदीद कहता हूँ तो लेकिन चूंकि फरदम फर्दम जिक्र करना मामूल नहीं है चूंकि मेहमान बहुत ज्यादा होते हैं मैं फोकस करता हूँ ताकि सब्जेक्ट पर बात हो जाए आपको मालूम है कि पिछले तीन दिनों में मैंने इस सब्जेक्ट पे गुफ्तु करते हुए तीन अफराद से आपको मुतारफ करवाया पहले दिन जो नशिश थी उसमें डॉक्टर मॉरिस ब्यूकेल जिसको फ्रेंच में डॉक्टर मॉरिस ब्यूका कहते हैं। फिर उसके बाद मैंने बड़ी तफसील से गुफ्तु की मगर इनका आगाज इनके जिक्र से किया था इन्होंने कुरानी मजीद की सिर्फ एक आयत करीमा पे तदब्बर करके इस्लाम कबूल कर लिया फ्रांस की तारीख के नामवर चोटी के सर्जन में से और साइंटिस्ट में से थे एक कुरानी आयत इन्हें हक तक पहुंचाने के लिए काफी रही मैंने इनको आपका आपको इनका क्लिप भी दिखाया कि जब वो मेरे मेहमान थे 1988 में लंदन में वेम्बले कॉन्फ्रेंस जो मिनाजुल कुरान की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी और आपने क्लिप देखा कि मिनाजुल कुरान की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में खिताब भी कर तो हमने इनका माजरा बरह रास्त इनसे सुना दूसरा तारफ मैंने आपसे करवाया ब्रिटिश चीफ पुलिस ऑफिसर स्कॉटलैंड यार्ड काउंटर टेरोरिज्म कमांड के टॉप के ऑफिसर रिचर्ड वार्ले जिन्होंने कुरान मजीद की फकत दो आयतों में दो सब्जेक्ट्स पर तदब्बर किया और उसके नतीजे में उन्नीस सौ तिरानवे में इस्लाम कबूल कर लिया रिलीज पार्क मॉस्क में लंदन में जाकर 1989 में तर्जमा कुरान खरीद कर किया। जब वो मुसलमानों के एहतजाज के खिलाफ अमन अमान कायम करने की ड्यूटी पर ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से मुतयन हुए थे और मुसलमानों की नफ्सियात समझने के लिए कि इन्हें किस तरह कंट्रोल किया जाए कुरान मजीद का मुताला किया चार साल की मेहनत से अल्लाहत ने हक हाँ तक है और कबूल इस्लाम से शरफ याब हुई सिर्फ दो आयतों पर तदब्बु तो फिर मैंने कल आपको अपनी गुफ्तु की बिगिनिंग में डॉक्टर गैरी मिलर का तारफ करवाया जो कैनेडियन प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के थे मैथमेटिक्स के और लॉजिक के इन्होंने कुरान मजीद का मुताला शुरू किया उसमें गलतियां निकालने के लिए मिस्टेक्स निकालने के लिए एरर निकालने के लिए यानी कुरान की सदाकत को चैलेंज करने के लिए और वो कर तला... गलतियां तलाश करने की कोशिश में आगे बढ़ते बढ़ते उन्नीस तो में हक को पा गए इस्लाम कबूल कर लिया और देखा पूरे कुरान में किसी जगह कोई एरर नहीं है एज ए मैथमेटिशियन एंड एज लॉजिकल साइंस के हेड के तौर पर कहते हैं तीन चीजें ब्याह तीन लोगों का तारुफ करवाया है आज इसी हवाले से आपको फिर कैनेडा ले चलता हूं मेरे साथ कनाडा का सफर करें और यह साल है उन्नीस का नाइनटीन नाइन। मैं खुद उस वक्त कनाडा मूव नहीं हुआ था उसके बहुत मुद्दत बाद जाके कनाडा मूव हुआ उस जमाने में मैं अमेरिका कनाडा, यानी नॉर्थ अमेरिका के जैसे विजिट करता था कॉन्फ्रेंसेस खिताब करता था यहाँ की यूनिवर्सिटीज के खिताब होते थे न्यूयॉर्क में यूनिवर्सिटीज को खिताब किए मैंने वॉशिंगटन डीसी की अमेरिकन यूनिवर्सिटी में एड्रेस किए लेक्चर दिए बाल्टीमोर यूनिवर्सिटी अमेरिका में लेक्चर्स दिए एरिजोना यूनिवर्सिटी स्टेट ऑफ एरिजोना वहां उस जमाने लेक्चर दिए गरज मुख्तलिफ जगहों पर मेरे विजिट होते थे उस जमाने में और फिर इस तरह इंग्लैंड भी और यूरोप भी साउथ अफ्रीका यूनिवर्सिटीज में होते रहते थे उस जमाने में, में मेरा एक विजिट है जो आपको साथ लेके चल रहा हूं यह है तीन अप्रैल तीन थर्ड तीन अप्रैल 1995 का दिन मैं यहां पहुंचता हूं कनाडा आज से कितने साल कबल ये बन जाते उनतीस साल कबल की बात आज से अभी आप फोटो देखेंगे तो है शायद उनतीस साल कबल की फोटो यहां एक प्रोफेसर थे डॉक्टर कीथ मूर ये डॉक्टर कीथ एल मूर जिनकी डेथ अब 2019 में हुई आज से पांच साल कबल डेथ हुई ये प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के एनाटॉमी के और स्पेशलिस्ट थे वर्ल्ड वाइड एम्ब्रियालॉजी के डिवीजन ऑफ एनाटॉमी यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के चेयर रहे उन्नीस से उन्नीस तक और जो पूरी अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल यानी बतौर, बतौर और इतना बड़ा नॉर्थ अमेरिका का मुकाम और मरतबा था इस शख्स का बहुत सी किताबों के ऑथर हैं, इनकी मरूफ किताबें जो मेडिकल हर मेडिकल कॉलेज में पूरी दुनिया में अनोटमी और एम्ब्रियालोजी के सब्जेक्ट में टेक्स्ट बुक शामिल बुक हैं शामिल के अंदर भी किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी से लेकर मिश् मेडिकल कॉलेज तक चले जाए अनोटमी और एम्ब्रियालोजी के सब्जेक्ट में तमाम डॉक्टर्स इनकी टेक्स्ट इनकी लिखी हुई को तो पढ़ते हैं सनद है क्लिनिकलीरियंटेड एसेंशियल क्लिनिकल अनोटमी डेवलपमेंट द डेवलपिंग ह्यूमन यानी इस तरह की बहुत सारी बुक्स हैं पर और, और इनके साथ बहुत से ऐसे साइंटिस्ट और प्रोफेसर भी थे जो को ऑथर्स हैं बहुत सी किताबें अकेले लिखी बेटे तस्वीर दिखाएं अब मिनाजियन को नहीं पहुंची फिर मैं बात आगे करता हूं ये हैं प्रोफेसर कीतमूर जिनका मैंने जिक्र किया आज इनके तस्करे से बात को शुरू करेंगे ये उन्नीस सौ पचानवे की तस्वीर है मैं इन्हें दावत इस्लाम देने के लिए पहुंचा था इनकी किताबें पढ़ी थी एटीज के जमाने में और अवाइल नाइनटीज में ये इनकी रिहायशगा पर मुलाकात हुई इन्होंने अपनी किताबें मुझे तोहफा दी साइन करके और उनमें से मसल एक किताब ही आपको दिखा दी है साइन ये साइन करके तीन अप्रैल उन्नीस सौ पचानवे के सिग्नेचर मैंने इन्हें अपनी दो किताबें इंग्लिश में एक पुरान और एमब्रियालॉजी कुरान ऑन क्रिएशन एंड एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स दो इंग्लिशी किताबें मैंने इनको तोहफा दी और ये देख के हैरान हुए जब मैंने इनको बताया कि मैंने अपनी कुतुब में आपकी किताबों के रेफरेंस दे के इस्लाम और कुरान की हक्कानियत को साबित किया है तो मेरी किताबों में उनकी कुतुब के हवाले थे वो देख के बहुत खुश हुए क्योंकि उनकी कुतुब छप चुकी थी मैं खरीद चुका था अमेरिका से मुख्त विजिट्स के दौरान और स्टडी करके तो अपनी किताबों में रेफरेंस देती है तो आज इस प्रोफेसर एल प्रोफेसर मूर से बात का आगाज करते हैं 1980 में इनको इनविटेशन आई सऊदी अरब से मैं एक बात बता दूं, बाद में शायद जेन में न रहे इनसे तवील नशित हुई मैंने इनको इस्लाम की दावत दी आगे तस्करा इनकी किताब के आएंगे आज की गुफ्तु का मेजर हिस्सा इनकी और इनके साथ दूसरे जो प्रोफेसर और साइंटिस्ट हैं अनोटोमिस्ट और एम्ब्रियालॉजिस्ट वो जो को ऑथर्स हैं उनकी तहकीकत पर मबनी है मेरी आज की गुफ्तु मगर मैंने चाह कि इब्तदाई गुफ्तु में मैं थोड़ा सा हिस्सा बयान कर दूं ताकि मुलाकात का मौजू खत्म हो जाए तो नशिश के अख्ताम पर मैंने इस्लाम की दावत दी इन्होंने एक बड़ा ही खुशगवार जवाब दिया मुस्कराते चेहरे के साथ मगर मेरी दावत के जवाब में यस या नो कैटेगोरिकली दोनों में से कोई चीज नहीं गई यश कहा ना लो मुस्कराये मगर जवाब बड़ा मुस्बत और खुशगवार दिया वो जुमला मेरे पास इनका अमानत था उसमें इस्लाम के लिए इनकी मोहब्बत और कुरान के लिए इनकी अकीदत जरकती थी और उन्होंने ये अमर वाजे कर दिया कि इस अमर में कोई शक नहीं है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और रसूल इस अमर में कोई शक नहीं रहा मुझे उन्होंने इस तहकीक को उन्नीस सौ अस्सी में शुरू किया था और मेरी मुलाकात उन्नीस सौ पचानवे में हुई पंद्रह साल की तहकीक के बाद उन्होंने कहा कि जो कुछ मैंने कुरानी मजीद में पाया है इसका कोई इस सवाल का कोई और जवाब मुमकिन नहीं सिवाय इसके कि ये अल्लाह अल्लाहत की वही है और उस वही रब्बानी का इल्म है जो कुरान मजीद में उतरा और हम तक पहुंचा अगर अल्लाह के वजूद को ना माने और कुरान मजीद को अल्लाह की नाजर करदा सच्ची किताब ना माने और जूर इस्लाम को अल्लाह का सच्चा नबी और रसूल ना माने तो मैं एक साइंटिस्ट होने के नाते मजहबन क्रिश्चियन हूं मसीही हूं मगर साइंटिस्ट होने के नाते मेरे पास इस अमर का और कोई जवाब नहीं कि जो तहकीकत हमें अब वो कह रहे अब इस पचास साल के अरसे में मुयसर आई जो साइंसी मालूमत इंसान की तखलीक के बच्चा पैदा किस तरह होता है माँ के रहम में मां के पेट में उस पर आज गुफ्तु होगी और किन किन मरलों से गुजरता है और उसकी क्या क्या जजियात और तफसीलात हैं ये वो मालूम हैदराक जि, साइंस को अब हुआ है आज से पचास बरस पहले सिर्फ पचास बरस पहले उन्नीस सौ इकतालीस के बाद इजराक हुआ है इस सन को याद रखने उन्नीस सौ इकतालीस के बाद पूरी दुनिया की साइंस को वो मालूमत मिली और उससे पहले इवन बीसवीं सदी के पहले चालीस सालों में भी ये मालूम नहीं थी इंसानियत के पास मगर वो मालूम पूरी सेहत के साथ एक्यूरेसी के साथ तफसीलात के साथ और पूरे तयन के साथ कुरान ने चौदह सौ साल पहले बयान कर दी इस हैरत का कोई जवाब मेरे पास नहीं सिवाय इसके कि मैं मानूं कुरान अल्लाह की सच्ची किताब है और हुजूर अल्लाह के सच्चे पैहम्बर हैं ये अल्लाह की वही के जरिए अब अगली बात मैं कर चुका हूं जिस पर मैंने उन्हें दावत इस्लाम दी उन्होंने खुशगवार जवाब दिया बाद में मेरी उनकी बरह रास्त मुलाकात नहीं हुई सो वो एंड अप कहां जाके हुए टली तौर पर उसका मुझे इल्म नहीं मालूम नहीं कि खामोशी से उन्होंने इस्लाम एम्ब्रेस कर दिया हो इस्लाम कबूल कर दिया हो ईमान ले आए हो इस पर खामोशी से मगर मुझे उस मुलाकात के बाद कि उनके अहवाल का इल्म नहीं सो मैं ये बात क्लैरिटी से नहीं कह सकता अब आप आ जाइए शुरू करते हैं कि 1980 में डॉक्टर मूर को दावत मिलती है सऊदी अरब से कि किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी उसमें अनाटमी और एम्ब्रियोलॉजी पर आके लेक्चर दें 1980 में वो एक एनाटोमिस्ट और एम्ब्रियालोजिस्ट के तौर पे साइंटिस्ट के तौर पे इस सब्जेक्ट की आलमी अथॉरिटी के तौर पर यानी जितने आप में से डॉक्टर बैठे होंगे उनको भी पता होगा उन सब ने एमबीबीएस करते हुए इनकी किताबें पढ़ी हुई इंग्लैंड और यूरोप में भी पढ़ाई जाती है वेस्ट नॉर्थ अमेरिका में भी पढ़ाई जाती है वर्ल्ड वाइड अथॉरिटी और इसके अलावा और भी बहुत सारे स्कॉलर और प्रोफेसर हैं डॉक्टर्स हैं साइंटिस्ट हैं जो इसी सब्जेक्ट पे जिन्होंने लिखा है सारी कुतुब की मालूम को यकजा किसी में कोई तजाद नहीं है एक ही मालूम सऊदी अरब पहुंचे किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने के लिए जब वो लेक्चर दे चुके तो वहां एक किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी में एक एम्ब्रियालोजी कमेटी थी जो इल में जनीनी जात यानी जनीन कहते हैं बच्चा जब माँ बाप का मिलाप होता है शोहर और बीवी का तो माँ के या बीवी के रेहम में बच्चे की जिंदगी का आगाज होता है फिर वो एम्ब्रियो बनता है अरबी में उसको जनीन कहते हैं और वो बच्चा तश्कील पाता है तो पैदाइश से पहले तक माँ के पेट के अंदर के जो हालात और वाकआत हैं उसकी स्टडी को एम्बरियोलॉजी कहते हैं समझ गए बात को उस बच्चे या बच्ची की जिंदगी की इब्तदा से विलादत तक उसकी बर्थ तक उसकी ये जो नौ महीने का जमाना है नौ महीने का अच्छा, नश्व नुमा होती है इस स्टडी को एम्ब्रियोलॉजी कहती है ये नौ महीने में नश्वनुमा हो रही है बच्चे की इप, पहला पॉइंट है बिगनिंग से लेकर एंड तक बच्चे के तवल्लुद ये अभी आगे चल रहा ठीक उसमें बच्चे को एम्ब्रियो कहते उस पर एक कमेटी थी सऊदी अरब के प्रोफेसर की उन्होंने इनको दावत दी और कहा कि हमारे सामने कुरानी मजीद की कुछ आयात हैं यह मुसलमान सऊदी अरब के प्रोफेसर यूनिवर्सिटी के और वो और बाहर के मुल्कों भी थे सिर्फ सऊदी नहीं थे मगर किंग अजीज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वो कह रहे हैं कि कुरान मजीद की कई ऐसी आयात हैं हम चाहते हैं आपसे उनकी तशरी करवाएं आप उन आयात की तफसीर करें एक अनाटमिस्ट और एक एम्ब्रियालॉजिस्ट साइंटिस्ट होने के नाते कि कुरान क्या कह रहा है और इस तरह कुछ अदीस हैं आके सलाम की उनकी तशरी करके दें डॉक्टर की तमूर कहते हैं कि मैंने जब वो कुरानी मजीद की वो आयात देखी ऑफकोर्स इंग्लिश में तर्ज करके देखी और हादीस के तर्जमे देखे तो कहते हैं मैं दंग रह गया और हैरत में गुम हो गया कि कुरानी मजीद की उन आयात के बयान में इतनी एक्यूरेसी थी इतनी सही डिस्क्रिप्शन थी एम्ब्रियो की और एम्ब्रियनिक डिवेलपमेंट की और मां के पेट में बच्चे की नश्व नुमा की के जिसका जिस इल्म का तस्वर आज से 1400 सौ साल पहले रुए जमीन का कोई शक नहीं कर सकता था 1400 सौ साल कबल वो मालूम फ्राहम कर दी जो मालूम साइंस के जरिए हमें अभी इस सदी में उन्नीस की बात है ना इस सदी के 50 बरस के अंदर मिली है अब जाकर कहते हैं कि ये एक्यूरेट थी डिटेल्ड थी जो कुरानी मजीद ने स्टेटमेंट दी ये उनका एक स्टेटमेंट है अब चलते हैं आगे इस मौजू पर अब मैं जो फैक्ट्स हैं वो इन साइंटिस्ट के, के दिए हुए अपनी बुक्स की रिसर्च पर बेस करके बयान करता चला जाऊंगा और साथ में कुरान मजीद के हवाले से मजीद कुछ और हिस्टोरिक चीजें इलेबोरेट करने के लिए भी देता जाऊँगा और उनकी अपनी किताब वो भी इस वक्त मेरे सामने है जिसको आपने देखा है कुरान एंड मॉडर्न साइंस ये भी उनकी किताब पहली बात वो ये कहते हैं और जितने अनोटोमिस्ट और एमब्रियालोजिस्ट हैं वेस्टर्न वर्ल्ड के स्कॉलर्स प्रोफेसर साइंटिस्ट वो ये कहते हैं कि ये जो इल्म है कि मां के पेट में रेह में मादर में बच्चा कैसे पैदा होता है और किस तरह डिवेलप करता है वो कहते हैं कि सोलहवीं सदी ईसवी तक आज इक्कीसवीं सदी इसमें इक्कीसवीं सदी तो सोलहवीं सदी का मतलब है आज से चार पांच सौ साल पहले तक अब ये बड़ी तवज्जो के साथ सुनने चार पांच सौ साल पहले तक जो पूरी रुए जमीन पर रुए जमीन पर अरब अजम में मुस्लिम और गैर मुस्लिम दुनिया में हर तरफ जो इल्म था जो एग्जिस्ट करता था इल्म, इल्म जनीन माँ के पेट में बच्चे की तखलीक और नश्व नुमा का इल बच्चे के पलने का इल्म। वो वही इल्म था जो अरस्तु ने और उसके हम जमाना लोगों ने दिया था अरस्तु ने ईसा सलाम के 200 साल बाद का चला रहा था और सोलवीं सदी ईसवी तक उस इल्म में एक रत्ती के बराबर भी तरक्की नहीं हुई थी उस तस्वर में कोई तब्दीली नहीं हुई थी अब यह बात समझने के लिए कल की एक बात के साथ को रिलेट करता हूं आपको याद है जैसे मैंने कहा कि न्यूटन जब आया तो न्यूटन एक नाम पर साइंसदान उसके जमाने तक उन्नीसवी सदी की बात हो रही है उसके जमाने तक न्यूटन खुद और दुनिया के सारे साइंसदानों के पास जो इल्म था पूरी दुनिया की साइंस वो ये था कि जमीन साकिन है जामिद है मुतहरिक नहीं है जमीन जामिद स्टैटिक यूनिवर्स और न्यूटन भी इसी में बिलीव करता था सारी साइंस भी उसका इल्म भी यही था चलते चलते 1915 तक की यही एनब्रा 1915 तक दुनिया के किसी खित्ते में इस इल्म में तबीली नहीं आई हर कोई समझता था कि ज़मीन सारी कायनात सारी कायनात साके नहीं यूनिवर्स स्टैटिक है 1915 में आइंस्टाइन ने आकर ये पहला शख्स है दुनिया में साइंस की तारीख के अंदर जिसने कायनात के जामिद होने का साकिन होने का तस्वर बदला और कहा नहीं मुतफरक है हाँ मुतरक है कायनात मूव कर रही मैंने आपको बताया था कि उसने कायनात के मुतहरक होने का नजरिया देकर न्यूटन और उसके बाद तक की साइंस के नजरिए को रद्द तो कर दिया मगर यह बयान नहीं कर सका कि कायनाथ एक्सपेंड भी कर रही है एक्सपेंडिंग है, यह आपको याद हो बस इसी तरह की मिसाल लेनी ले। ये ताकि उन्नीस सौ बाईस से शुरू हुई रशिया के साइंटिस्ट बेल्जियम के साइंटिस्ट अमेरिका के साइंटिस्ट उन्नीस सौ बाईस उन्नीस सौ चौबीस उन्नीस सौ उनतीस में जाके एडवन हबल का मैंने जिक्र किया फिर बाद में उन्नीस सौ पैंसठिया वगैरह के मैंने नाम बताए थे तफसील जाके ये सारी चीजें एस्टेब्लिश हुई गोया उन्नीस सौ बाईस से लेकर उन्नीस सौ पैंसठ तक इन चालीस सालों में साइंस की दुनिया इस इल्म पर पहुंची के कायनात काय भी है और हम वक्त इसमें फैलाव हो रहा है फैलाव तो सी हो रही है एक्सपेंशन तो साइंस इस तरह दर्जा बदर्जा तरक्की करती है और पहली सदियां ये तो 200 साल 300 साल पहले ये तरक्की शुरू हुई है उससे पहले हजार बारह सौ साल का अरसा वेस्टर्न वर्ल्ड और यूरोप में उसको डार्क एजेस कहा जाता है डार्क एजेस क्योंकि मगरबी दुनिया और यूरोप अंधेरे में था और बताना ये चाहता हूं ये मैंने एटीज और नाइनटीज के जमाने में जो खिताब की है तो मैं इन सब्जेक्ट पर बड़ा फोकस करता था ये तो अब आज अपने बेटे बेटियों की खातिर कोई पच्चीस तीस साल के बाद ये सब्जेक्ट मैंने शुरू कर दिया है मैं तो सब्जेक्ट ये छोड़ गया हुआ था भूल गया था पच्चीस तीस साल बाद पहले बताता था यूरोप हजार साल पिछला जो गुजरा उसको डार्क एजेस कहता था अंधेरों की दुनिया है ये सारी अंधेरों के जमाने है। क्यों कि यूरोप खुद अंधेरे में था जो अरिस्टोटल ने दे दिया था अरस्तु वगैरह ने उसी पर मगरबी यूरोपियन साइंस एक हजार साल तक उसी पर कायम रही उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई नजरिया नहीं बदला तरक्की नहीं हुई नई तहकीकत नहीं हुई यूरोप अंधेरे में था मगर इस्लाम रोशनी में था इस्लाम अंधेरे में नहीं था सरजमीन मक्का और मदीना से नूर चमका था उसने मुस्लिम दुनिया को रोशन कर दिया था कुरान के चश्म नूर से हदीस नबवी के चश्म नूर से और इस्लामीजा के चश्म नूर से और मराकज कायम कर दिए थे आकर इस्लाम के गुलामों ने और शर्क से गब तक दुनिया में इल्म और साइंस का नूर फैला दिया था यह अलग सब्जेक्ट है किसी को अगर इसको पढ़ने का शौक हो तो मेरी किताब है मुकदमा सीरत रसूल उसके अंदर बड़ी तफसील के साथ मैंने चीजें बयान की सीरत रसूल का मुकदमा दो जिल्दों में है दो उसको पढ़ी तो मैं बता ही रहा हूं कि जिस तरह उन्नीस तक साइंस वही रुकी हुई थी आइंस्टाइन से पहले गोया आप यूं कह लीजिए दो हजार साल से साइंस रुकी हुई थी कि सारी कायनात स्टैटिक है आइंस्टाइन से पहले इसी तरह एम्ब्रियालोजी में कि बच्चा कैसे पैदा होता है मां के रेम में किन मरलों से गुजरता है या नहीं गुजरता क्या तफसीलात है इस पर साइंस, सोलवी सदी तक रुकी हुई थी उसी इल्म पर जो अरस्तु ने दिया था यूनान का जमाना कोई तरक्की नहीं इसी अरसे में आकाल इस्लाम तहरीफ लिया है आकल इस्लाम का जमाना ईस्वी के सने ईस्वी के एतबार से सातवीं सदी ईस्वी है यानी मैं जो सोलवी सदी बता रहा हूं सोलहवीं सदी से एक हजार साल पहले आका आकाम की बेहसत हुई और हिजरी सनी में आपको पता है चौदह सौ साल पहले बेहसत होगी तशरीफ तो लाए तो रुवे जमीन पर यह तो अलग बात है कि मक्का और मदीना में तो यूनान का इलम ही नहीं पहुंचा था आपको मैंने कल समझा दी थी ये बात पहले लेक्चर में यहां तो न साइंस थी ना इल्म था न मकतब न मदरसा न स्कूल न लेबॉरिटरी ना नॉलेज कुछ भी नहीं था यह तो उम्मीद अनपढ़ लोगों का बदमों का मुआरा था लेकिन जहां जहां इल्म था मैं बात कर रहा हूं यूरोप की रोम की और यूनान की यूरोप के जिन खितों में इल्म था पिछली सिविलाइजेशन का उस वेस्टर्न वर्ल्ड के उन खि को भी मालूम नहीं था और यह डॉक्टर कीथ की लिखते हैं अनटिल दिक्सटीन सेंचुरी नो मेजर एडवांसमेंट अब यह मैं उनके लफ्ज पढ़ रहा हूं इन आवर नॉलेज ऑफ एम्ब्रियोलॉजी वर रिकॉर्डेड इन द लिटरेचर ऑफ वेस्टर्न साइंस इस जमाने तक मगरबी दुनिया की साइंस में एम्ब्रियोलॉजी में कोई तरक्की नहीं और आगे वो बयान करते हैं इट वॉज नॉट अंटिल द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप इन द सेवेंटीन सेंचुरी फिर और सौ साल गुजर गए सत्रहवीं सदी ईसपी आई उसमें माइक्रोस्कोप इजाद हुआ इसको खुर्दबीन कहते हैं माइक्रोस्कोप वो इजाद हुआ और माइक्रोस्कोप इजाद होने के बाद एनी सिग्निफिकेंट जिकल नॉलेज ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड तब जाके माइक्रोस्कोप से मुताला किया जाने लगा मगर इंसान का नहीं अभी तक ये बात इंपॉर्टेंट है मुखी के जो चिक्स होते हैं चिक्स बच्चे उनका और रवानों का और का करते रहे मगर बबुजू खातून के औरत के में मादर के अंदर बच्चे की जो परवरिश है उसका मुता सतरवीं सदी ईसवी में भी नहीं कर सके अठारहवीं में भी नहीं कर सके उन्नीसवीं में भी तीन सौ साल तक पूरी मगरबी दुनिया की साइंस में औरत के रहम के अंदर बच्चे की परवरिश के मरलों का मताला मगरबी साइंस में नहीं हुआ उसके बाद भी तीन सौ साल तक नहीं हुआ यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात है अब ये मैं आपको तारीख का रिकॉर्ड दे रहा हूं उन बेटों और बेटियों की तवज्जो के लिए जो कहते हैं खुदा को क्यों माने मजहब को क्यों अपनाएं जहां से उन्हें गलत फिक्र मिली है ये उनसे सवाल करने की जरूरत है कि क्या ये हकायक जो बता रहा हूं इनमें से कोई एक मिस्टेक या एरर है जो साइंस का इलम रखता है वो जवाब देगा नहीं और जो वैसे लोगों को मुंतशिर करके बहका रहे हैं गुमराही फैला रहे हैं वो तो खुद साइंटिस्ट नहीं है जो ये काम चला रहे हैं ब्लॉग्स और और एप्स बना के और बना के के ग्रुप्स वो तो खुद साइंटिस्ट ही नहीं है वो ऐसे गप लगाते हुए कह दें ऊँच ऊंच पटांग बातें कर दे तो उसका जिम्मेदार तो कोई नहीं है मगर साइंस का काज रखने वाला ईमानदार ज्यानतदार चक गैर मुस्लिम बिल्कुल नॉन मुस्लिम उससे भी पूछे तो वो इसमें से एक रक्त की बराबर बात से इख्तलाफ नहीं करें अब उसके बाद ये लिखते हैं कि फिर क्या हुआ कि डेवलपमेंट्स होती गई और 19वीं सदी आई 19वीं सदी उसमें इब्तदाई तौर पे एफर्ट्स होने लगी क्योंकि माइक्रोस्कोप मौजूद थी एफर्ट्स होने लगी ह्यूमन एम्ब्रियोज के स्टेजेस के स्टेजेस की तरफ मुताला किया जाए मुशाहदा किया जाए देखा जाए और ये काविशे जारी रही के हत्या सदी इसमें आ गई ये हमारी जो पिछली सदी गुजरी है मेरी पैदाइश उन्नीस सौ इक्यावन की है ये बीसवीं सदी थी आप में से वो सारे लोग जो पच्चीस साल की उम्र या उससे जायद के हैं वो बीसवीं सदी की प्रोडक्ट हैं अभी जो खत्म हुई है सदी चौबीस साल पहले यह सदी आ गई और इस सदी में 1914 में जब इस सेंचुरी का आगाज हुआ उन्नीस में एक साइंसदान है मॉल उसने अरेंज किया दो ह्यूमन एम्ब्रियोज को दो सौ ह्यूमन एम्ब्रियोज को एक सीरीज में अरेंज करके इसकी स्टडी शुरू की मगर माइक्रोस्कोप थी मगर ह्यूमन एम्ब्रियो की स्टडी के लिए कोई सिस्टम डेवलप नहीं हुआ था बड़ा आला निजाम जो माइन्यूटली बारीकी से स्टडी कर सके ये डेवलप नहीं हुआ था उन्होंने आगाज कर दिया उसके फिर 28 साल के बाद 1941 का दौर आया 1941, 1941 में स्ट्रीटर एक साइंटिस्ट है स्ट्रीटर उसने दुनिया में पहली मरतबा उस माइक्रोस्कोप की बुनियाद पर एक निजाम वजा किया जिस निजाम के तहत मां के पेट में या रेहम में बच्चे की पैदाइश और परवरिश और नश्व नुमा के मरल को स्टडी किया जा सकता है यह स्टडी उन्नीस सौ इकतालीस के बाद हुई आप देख लें उन्नीस सौ इकतालीस के बाद आज दो हजार चौबीस है तो ये जमाना बन जाता है साठ और बीस अस्सी तिरासी साल कबल आज से एटी थ्री ईयर्स तिरासी साल पहले आगाज हुआ कि माँ के पेट में बच्चे की परवरिश किन मरहलों से होती है और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इस तरह स्टेजेस में होती है किन मरल से मरलावार होती है यानी इसका मुताला आज से अस्सी साल पहले 1941 के बाद हुआ ये जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं उन्नीस सौ से पहले मैं बता रहा हूं मशरक से मगरब तक अमेरिका कैनेडा बरतानिया पूरा यूरोप ईस्टर्न वेस्टर्न वर्ल्ड जापान तक दुनिया में किसी के पास ये नॉलेज नहीं था ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर 1941 के बाद ये नॉलेज आया है ये पिक्चर्स बनी हैं और ये मालूम हाथ हुई है इंसानियत को कि कैसे आगाज होता है फिर यही सिस्टम मजीद डेवलप हुआ उन्नीस सौ तिहत्तर में स्टीटर के सिस्टम को फिर एक और साइंसदान आया उसने बड़ी डिटेल के साथ स्टडी करने के तरीके वज़ा कर दी ये मैंने आपको बैकग्राउंड बताई है ताकि आपको पता हो जब आप कुरानी मजीद को अब मैं खोलूंगा और पढ़ूंगा और बताऊंगा तो आप ये पता हो कि कुरान किस वक्त में नाजिर हुआ और साइंस किस वक्त में इस हकीकत को रिवील कर रही आप कहां खड़े हैं आप जान सकेंगे कि जितनी मालूम अब इस गुफ्तगु के बाद आएंगी ये सारी मालूम इंसानियत को साइंस को साइंसदानों को उन्नीस सौ इकतालीस के बाद मिली इससे पहले किसी को कुछ खबर नहीं थी अब मैं आगाज कर रहा हूं आइए हम तरतीब से चलते हैं कि बच्चे की पैदाइश कहाँ से शुरू होती है कैसे होती है तो उन मरहलों के मुताबिक मैं अपनी गुफ्तु को और अपने खिताब को लेकर चलता हूं ताकि आप तरतीब से चलते रहें कुरान मजीद ने अब कुरान मजीद की आयत पढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि पहले साइंटिफिक इलम आपको दे दूं तो लुत्फ आएगा तो वो सुन लें आपके जेन में तस्वर कायम हो जाए फिर हम कुरान मजीद को उठाते उन्नीस सौ इकतालीस के बाद जो इल्म हासिल हुआ इंसानियत को साइंस की तहकीकत में वो इल्म उसका हिस्सा है ये मैं आगाज करता हूं कि पैदाइश कैसे होती है बच्चे को मर्द की तरफ से यानी बाप की तरफ से तोलीदी मादा चलता है बाप की तरफ से या शौहर की तरफ से कह लीजिए एक थिक सा सब्सटेंस चलता है तोलीदी मादा जिसको आप उर्दू में और अरबी में मनी कहते हैं अभी नहीं बैठे आपने पहले दिखा दी तस्वीर जब मियां बीवी का मिलाप होता है तो उसके मादे में अब दिखाएं एक स्पर्म की तस्वीर दिखाएं बेटे अलग मैंने भेजी है आपको उसके मादे में जो सेल होते हैं सेल वो बड़ी तवज्जो से सुनिए ये बात ये अब 1941 के बाद पिछले 80 सालों में इंसानियत को मिला है साइंस की तरक्की के जरिए मर्द की तरफ से जो सेल आते हैं ये जो नीले रंग का आप देख रहे हैं सांप नुमा या लंबा सा कीड़ा इसको स्पर्म कहते हैं ये स्पर्म गौर से समझें मर्द का जो मादा निकलता है थिक सा उसके अंदर ये स्पर्म होते हैं जो येलो कलर का आप देख रहे हैं एग जिसपे लिखा है एग अंडा इसको ओवम कहते हैं ये औरत की बेजा दानी से निकलता है ओवरी कहते हैं उसको ओवरी और उर्दू में बेजादानी भी कहते हैं यहां अंडे बनते हैं वो जो आप देख रहे हैं ना दूसरा ये येलो कलर का पीले रंग का और सुर। यहां अंडे बनते हैं ये बेजा दानी इससे अंडा निकलता और ये जो नीले रंग का है स्पर्म ये मर्द का मवाद वहां दाखिल होता है उसने इस बैजादानी तक पहुंचना है ये जो एक सेल है स्पर्म अब आप हैरान होंगे साइंस ने बताया कि ये एक बार जब ये जाते हैं तो दो करोड़ सेल्स से लेकर स्पर्म से लेकर चार करोड़ स्पर्म तक एक वक्त में दाखिल होते हैं अल्लाह की शान है अब ये बड़ा अहम नुकता है जो मैं अभी बयान कर रहा हूं जब ये करूंगा तो फिर आपको इस पर फोकस करना होगा बड़ा अहम नुकता है दो करोड़ से चार करोड़ स्पर्म्स ये उस थिक से सब्सटेंस में वो जो मादा होता है जिसको आप मनी कहते हैं उसके अंदर ये दो करोड़ से चार करोड़ के करीब ये स्पर्म्स होते हैं मुझे बताइए इतना बड़ा आदत किसने पैदा कर दिया ये निजाम किसका बनाया हुआ है अभी नहीं बेटे ये, अभी, इस, अभी आए एक निजाम किसने बनाया है दो करोड़ से चार करोड़ एक बार में जाते हैं होता क्या है आगे इसमें रूहानी तरबियत की एक बात कहने वाला हूं चलते हैं दो करोड़ से चार करोड़ तक अपना सफर शुरू करते हैं पहुंचना कहां है बेटे वो दिखाएं एग पहुंचना है उस ओवम तक अंडे तक वो इनकी मंजिल है वो मंजिल है उस तक पहुंचना है और वो अंडा कहां होता है वो इंतजार कर रहा होता है मां की यानी औरत की बेजादानी के बाहर फेलोपियन ट्यूब एक ट्यूब होती है उसको फेलोपियन ट्यूब कहते हैं उसके अंदर ही अंडा इंतजार कर रहा होता है ये अंडा नहीं दौड़ता दौड़ के आगे नहीं जाता ये स्पर्म दौड़ के जाते हैं इनकी मंजिल है सफर की उस अंडे तक पहुंचना और सफर पे चलते हैं दो सौ करोड़ दो दो करोड़ या चार करोड़ इसके दौरान इतने सफर का आगाज करते हैं इतने स्पर्म और सफर चलते चलते कोई राह में मर जाता है कई गुम हो जाते हैं कई भटक जाते हैं कई थक हार के बैठ जाते हैं मंजिल पर यानी उस अंडे की जगह तक पहुंचते हैं सिर्फ 200 से लेकर 2000 के दरमियान चले थे दो करोड़ और मंजिल पर पहुंचे 200 सौ अल्लाह ये निजाम है सफर बहुत लोग शुरू करते हैं अल्लाह को पाने का सफर अल्लाह की कुर्बत का सफर अल्लाह की रजा का सफर तसगिया नफ्स का सफर नेकी और तकवा का सफर ईमान के इस्तेकाम का सफर शुरू बहुत लोग करते हैं मगर सफर में मुशक्कतें आती हैं रुकावटें आती हैं परेशानियां आती हैं उन मुशक्क़तों को बर्दाश्त करना पड़ता है उसको सब्र इस्तेकामत कहते हैं तो जो लोग रास्ता छोड़ बैठे राह में मर जाए थक जाए हार जाए बैठ जाए वो मंजिल पर नहीं पहुंचते दो करोड़ चले थे और मंजिल पे पहुंचे सिर्फ दो सौ अगर चार करोड़ चले थे तो मंजिल पे पहुंचे दो हजार अब आप देख लिए कि मंजिल पे पहुंचता है कोई कोई सफर तो शुरू हर कोई करता है करोड़ों की तादाद में लोग सफर शुरू करते हैं दुआ करें कि आप सफर शुरू करने वाले भी बने मगर सिर्फ सफर शुरू करने वाले नहीं मंजिल तक पहुंचने वाले बने अल्लाह आपको उनमें शामिल करे जो मंजिल पर पहुंचते हैं ये हर इंसान की तखरीक के निजाम के अंदर अल्लाह अल्लाहबुजत ने यह उसूल रख दिया है तख्लीकी निजाम के अंदर अब वहां पहुंचते हैं अब उन 200 में से अब तस्वीर दिखाएं बेटे जो हमला कर रहे हैं मंजिल में घर में दाखिल होने का अब वहां घर है ये अंडा इसमें दाखिल होना है अब आप गौर से देखें ये नीले नीले सारे स्पर्म्स हैं सौ स्पर्म्स हैं या दो हजार हैं, या एक हजार ये मंजिल पर पहुंच गए अब सुने मंजिल पे 200 सौ पहुंच गए 400 सौ पहुंच गए हजार दो हजार पहुंच गए अब बात यहां खत्म नहीं हुई दरअसल इस घर में दाखिल होना है ये अंडा है दाखिल होगा तो मिलाप होगा उस मिलाप के नतीजे में एक नई जिंदगी का आगाज होगा अब ये सारे टक्कर मार रहे हैं एफर्ट कर रहे हैं अंदर दाखिल होने की तो दो सौ पहुंचे थे या दो हजार पहुंचे थे मगर अंदर दाखिला सिर्फ एक को मिलता है दाखिला सिर्फ एक को मिलता है तो मैं कहूंगा कि मंजिल पे पहुंचते तो दो सौ से दो हजार हैं मगर दाखला उसका इज्जन सिर्फ एक को मिलता है कभी रेयर होता है जैसे दो दाखिल हो जाते हैं तो दो बच्चे पैदा होते हैं। वरना एक ही को दाखला मिलता है और फिर आप कहेंगे बाकी जो दो सौ टक्कर मार रहे हैं या दो हजार उनका क्या बना अब ये देखिए जिस अल्लाह को स्बत पूछते हैं कि क्यों माने उस अल्लाह का निजाम यह है और इसके सिवा किसी के पास और कोई जवाब नहीं कि जो ही एक स्पर्म वो खुलिया मर्द का खुलिया स्पर्म अपना सर दाखिल करता है उस अंडे में सर सिर्फ इतना हिस्सा आप देख रहे हैं शक्ल में सर का पहला हिस्सा दाखिल करता है वो जो पूरा का पूरा अंडा है उसके बाहर की झिल्ली मेमब्रेन उसमें एक फौरी तब्दीली आती है एक सेकंड के करोड़ में हिस्से में तब्दीली आती है वो सख्त हो जाता है इतना कि वो एक दाखिल हो जाता है और बाकी सारों के दाखिले का रास्ता बंद हो जाता है वो मेम्ब्रेन यानी झिल्ली बाकी किसी को दाखिल होने ही नहीं देती बस टच होते अंदर दाखिल होते ही तब्दीली आ जाती है। कौन है इन उमूर की तदबीर करने वाला आप कर रहे हैं बंदा कर रहा है मर्द कर रहा है औरत कर रही किसी को तो शौर ही नहीं हमें और आपको तो इलम ही नहीं कि हो क्या रहा है तदबीर क्या कर रही है तो है ना कोई तदवीर करने वाला कोई तो है ना जो एक थिक सब्सटेंस में दो करोड़ से चार करोड़ जिंदा सेल बना के चलाता है किसने बनाए हैं अच्छा फिर बताइए कोई तो है जिसने अमर ने रखा है कि अः अंडे तूने नहीं भागना तू बेजादानी के बाहर खड़ा रहे और इंतजार कर तू मंजिल है मुसाफिर आ रहे हैं उन्हीं को पहुंचने दे तो कोई तो है जो अंडा को वहीं फलोपियन ट्यूब में रोके रखता है ये चलते है। फिर कोई तो है जो एक को दाखिल करके मेम्ब्रेन को झिल्ली को इस तरह मजबूत कर देता है कि सारे बंद हो जाते हैं कोई नहीं जा सकता और जब वो दाखिल हो जाता है और इनका फिर मिलाप होता है तो स्पर्म और ओबम जब ये मिलते हैं तो इसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन ऑफ एग मर्द का खुलिया और औरत का खुलिया मिलकर एक नया खुलिया बन जाता है नया सेल। उसका नाम है जाइगोट अब बड़ी तवज्जो से सुने क्योंकि आगे मैं कुरान मजीद की आयत कोट करने वाला हूं उसका नाम है जाइगोट उसको नुत्फा कहते हैं मर्द का सेल स्पर्म और और औरत का सेल ओवम जब एग जब दोनों मिल जाए मिलाप हो जाए फर्टिलाइज हो जाए तो जो सेल वजूद में आता है दो के मिलाप से उसको जाइगोट कहते हैं उसका नाम है नुत्फा जब वो नुत्फा है तो उसके दाखिल होने से ही जो कुछ इंसान तश्कील पाना है वो सारे फैसले हो जाते जातेरान हो होंगे इतना इन पहले साइंस का मैं आपको दे लूं फिर हम कुरानी मजीद की तरफ आ जाएंगे फिर कुरान से सवाल करेंगे कि साइंस ने हमें आज के दिन तक यह बताया है कुरान तू क्या बताता है वो जब अंदर दाखिल होता है तो फैसले हो जाते हैं सारे मुस्तबल की मनसूबा बंदी हो जाती है सारे खवास अफआल खसूसियात तैयार हो जाते हैं उसने क्या बनना है तो फैसला हो जाता है ये जो एग है दो वहां वो दो दिनों के अंदर फिर अपना सफर शुरू करता है फिलोपियन ट्यूब के अंदर यूट्रस की तरफ जाने के लिए जहां बच्चा दानी है जहां बच्चे ने आराम पकड़ना है उसने ने दो दिनों के अंदर सफर शुरू करता है फिर ट्यूब्स में वापस और सफर शुरू करके चार पांच दिन और लगा के वो रेहम में जिसको यूट्रस कहते हैं वो उसकी तस्वीर में आपको नहीं दिखा रहा आप समझ जाए रेहम में जो यूट्रस है उसके अंदर चार पांच दिन के बाद इस तकरार पकड़ लेता है उसकी लाइनिंग होती है यूट्रस की एंडोमीट्रियम उसके साथ जाके जुड़ जाता है, हैंग हो जाता है उसमें इस्तकरार पकड़ता है जब इसकरार पकड़ता है और सकूनत इख्तियार कर लेता है तो तब कहते हैं कि प्रेगनेंसी ठहर गई अमल ठहर गया प्रेगनेंसी एस्टेब्लिश हो जाती है दो दिन के अंदर सफर शुरू करना मिलाप के बाद और चार से पांच दिन लग के वहां रुक जाता है और वहां जब एस्टेब्लिश हो जाता है तो उसको एम्ब्रियो कहते हैं जनीन फिर उसकी जिंदगी की नशोनुमा शुरू होती अब मैं पलट के फिर उस मिलाप पर आ रहा हूं वापस। जब स्पर्म और ओवम मर्द का सेल खुलिया और औरत का सेल जब मिले थे और मिलके एक नया सेल बना था यानी नुटवा उसमें क्या होता है कि मर्द का जो सेल होता है यानी जो स्पर्म मर्द का जो सेल आया है वो वो भी और औरत का अंडा दोनों तेईस तेईस पेयर क्रोमोसोम्स के उनको तेईस क्रोमोसोम मर्द और तेईस क्रोमोसोम औरत की तरफ से होते हैं और जब जाइगोट बनता है तो छियालीस क्रोमोसोम बन जाते हैं एक जाइगोट यानी लुत्फा छियालीस क्रोमोसोम कंटेन करता है अपने अंदर रखता है हमारी पहने जिनकी तालीम ज्यादा नहीं है वो फिक्र न करें कभी कभी एक जुमला ऐसा आ जाएगा थोड़ा सा मुश्किल मगर मैं उसको आसान कर दूंगा फिक्र ना करें वो तो जो क्रोमोसोम्स हैं अब ये बात समझने वाली है वो मर्द भी मर्द के पास भी तेईस क्रोमोसोम और और है औरत के अंडे उधर भी तेईस क्रोमोसोम और एक इधर मर्द के पास दो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं यानी मर्द और औरत की जेंट्स का तयन करने के लिए औरत के पास भी दो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं जेंट्स मुतन करने के लिए अब बड़ी तवज्जो से बात को सुने जो मर्द के पास क्रोमोसोम है ये भी छोटे से जर्रे समझ लें। वो दो किस्मों के हैं एक का नाम है एक्स और एक का नाम है वाई ये मर्द के खुलिए में जो आते हैं एक्स और वाई मर्द की तरफ से ये दो आते हैं उस परम के अंदर जो अंदर दाखिल हुआ है औरत के पास जो क्रोमोसोम है वो दोनों सिर्फ एक्स हैं। औरत के पास वाई नहीं होता ये बात याद रखने मर्द के अंडे में उसके ओवम में क्रोमोसोम्स में जो पेयर्स हैं उनमें वाई नहीं होता दो होते हैं और दोनों एक्स होते हैं एक्स एक्स मर्द की तरफ से जो आते हैं उसमें क्रोमोसोम एक्स भी है वाई भी है अब ध्यान से सुने वो जब स्पर्म अंदर दाखिल होता है और मिलाप होता है फर्टिलाइज करता है अगर तो एक्स क्रोमोसोम फर्टिलाइज कर ले मर्द के के पास दोनों थे एक्स भी थे वाई थे दोनों का चांस था एक्स अपना काम कर ले मिलाप का या वाई कर ले अगर मर्द के क्रोमोसोम यानी एक्स अगर औरत के अंदर वो दाखिल हो जाए फर्टिलाइज कर दे तो बेटी पैदा होती क्योंकि औरत के पास वाई होता ही नहीं औरत के दोनों एक्स होते हैं मर्द के पास मर्द वाला भी क्रोमोसोम है औरत वाला भी है एक्स भी वाई तो मर्द का भी अगर एक्स चला गया एक्स और एक्स मिल गए तो फिर बेटी पैदा होती बेटा उस शक्ल में पैदा होता है जब मर्द की तरफ से वाई फर्टिलाइज करे क्रोमोसोम वाई जब मर्द की तरफ से वाई फर्टिलाइज कर दे तो औरत के पास तो एक्स था मर्द का वाई जब मिला तो वो फैसला कर देता कि बेटा पैदा हो अब यहां एक नुकता तो मैं यूं समझा दूं बहुत से वाले जो साल हा साल गुजरते हैं कहते हैं कि हमारे बेटियां ही बेटियां हैं और बेटा नहीं हो रहा बेटा नहीं हो रहा तो कई माए हैं अपने बेटों की नई शादियां करवा लेती नई शादियां करवाती तो मैं उन माओं को कहना चाहता हूं मेरी बहनों इसमें कसूर किसी का नहीं है और खास तौर पे आप वो आपकी बहू का तो कसूर ही कोई नहीं बहू के पास तो दोनों एक्स थे अगर कसूर है भी तो आपके बेटे का है कि उसका फर्टिलाइज कर रहा है एक्स और वाई का फैसला आपके बेटे की तरफ से होना है बेटे को बदले बहू को क्यों बदलते हैं बेटे को बदले कि वो वाई के जरिए फर्टिलाइज करे खाए पिए देसी मुर्गे खाए असील मुर्गे लड़ाई वाले मुर्गे खाए मेडिसिन खाए या अपने इलाज करवाए मैं उन बहनों को कहता हूं अपने बेटे को पकड़े कि उसका वाई ताकतवर हो वाई और वो फर्टिलाइज करे तब बेटा होगा अब उसकी वाई कमजोर है और एक्स है बेटे का भी तो बेटी बहू का क्या कसूर वो बेटियां इतनी बार भी होगी उसके पास तो है ही एक्स ये फैसला बेटे ने करना है लिहाजा ऐसा जुल्म ना किया करें अगर अल्लाह को मंजूर है बेटा होना तो उसी से हो जाएगा डिपेंड करता है कि कब यह अमल होता है वाई की फर्टिलाइजेशन ये तो नसीहत तो और तरबियत की बात हो गई अब बता ये रहा था कि एन जिस वक्त मिलाप होता है तो वाई अंदर चला जाए जाइगोट में जब बनता है उम्म में तो वो बेटा बन जाएगा जकर अगर एक्स चला जाए मर्द की तरफ से तो वो बेटी बन जाएगी ये एन उस टाइम पे फैसला हो जाता है अब यहां रुक जाएं यहां तक मैं साइंसी तहकीक आपको बता दी अब मुझे ये बताइए आप इस वक्त इक्कीसवीं सदी में बैठे हैं बीस सौ पच्चीस डॉक्टर्स हाथ खड़ा ना करें डॉक्टर्स छोड़ दें जो मेडिकल साइंस के अनोटमी के एम्ब्रियालॉजी के जो स्टूडेंट हैं प्रोफेसर हैं या स्टूडेंट हैं जिन्होंने साइंस पढ़ी है जेनेटिक साइंस और ये सारी चीजें वो छोड़ दें बाकी लोग हाथ खड़ा करें आप में से आज इक्कीसवीं सदी में किस को इसको पता है कि इस तरह बेटा बनता है या बेटी बनती है और इस स्टेज पर बनती है हाथ खड़ा करने किसी को पता था जो साइंस नहीं पढ़े हुए उनकी बात करना और यह सवाल कि किस वक्त जाके फैसला होता है कि बेटा है या बेटी आप अंदाजा कर ले लोग समझते थे यानी कई मर्तबा लोग मेरे पास बहुत से लोग कहते हैं जूर दुआ फरमा दें दम कर दें पांचवा महीना है अल्लाह पाक बेटा कर दे हमें बेटा दे छठा महीना है चौथा महीना है अल्लाह पाक बेटा कर दे कई लोग करते हैं मैं दुआ भी कर देता हूं दम भी कर देता हूं समझा भी देता हूं मैं कहता हूं मेरे बेटो बेटे बेटी का फैसला तो पहले दिन के पहले सेकंड में हो गया था जब स्पर्म और ओमम का अंडे का और मर्द के खुलिये का मिलाप हुआ था उसी मिलाप के लम्हे हो गया था कि बेटा या बेटी अब मेरा दम क्या लेते हैं पांच महीने के बाद <laughs> मुझसे क्या दम करवाते हैं वो तो पहले लम्हे एक सेकंड में हो गया था अगर वाई ने फर्टिलाइज कर दिया क्रोमोसोम वाई ने तो बेटा हो गया अगर एक्स ने कर दिया तो बेटी होगी वही जाइगोट बना जिस वक्त नुथफा बना जाइगोट तो उसी नुथफा बनते वक्त फैसला हो गया कि बेटा है या बेटी अब यह चीज साइंस को भी कई साल पहले मालूम नहीं थी यानी बेटे बेटी का तयन कई सालों तक साइंस तो मई तेरी इतने अरसा के बाद होता है फिर समझती रही नहीं और उससे पहले हो जाता है फिर और उससे पहले हो जाता है फिर इतने हफ्तों में हो जाता है फिर इतने दिनों में हो जाता है चलते चलते भाई साइंस की तहकीलोजी इस जमाने में जाकर इस नतीजे पे पहुंची जो मैं आपको बता रहा हूं कि नहीं बेटे बेटी की जिन्स का तयन पहले लम्हे में हो जाता है जब नुस्खा बनता है यानी साइको यह है साइंस की तहकीक अब आइए है कुरान अब कुरान से पूछ रहा हूंजी की दौरे जदीद की साइंस ने तो आज चंद साल पहले से ही चंद साल पहले हमें यहां तक पहुंचा दिया कि बच्चे बच्ची बेटे बेटी की सेक्स का ताइन जेन्स का ताइन पहले लम्हे जब लुत्फा जाइगोट बनता है उस लम्हे हो जाता है फैसला कुरान तूने भी इस बारे में कोई खबर दी आलम इंसानियत को या रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम आप पर कुरान उतरा आखिरी वही उतरी और मरतबा कमाल का इल्म उतरा कुरानी वही में और आपके में भी ये बात कहीं इशारा देती है कि सेक्स का तयन मर्द और औरत और उस नुतफे से ही पैदा हो जाते हैं ये नहीं कि कई महीनों के बाद जाके बेटा बनता है या बेटी बनती है ग्रोथ के बाद ग्रोथ के बाद पहले कर दिया पहले पहले ये नहीं साइंस बताती है कि पहले लम्हे हो जाता है तो जब कुरान ने कहा जवाब उसने कहा हां सूर अन नजम उठाओ अब कुरान जवाब दे रहा है सूर्य नजम उठाओ ये सूरा नंबर तिरपन है फिफ्टी थ्री इसकी आयत नंबर पैंतालीस खोलो मैंने आयत नंबर पैंतालीस खोल ली आयत नंबर छियालीस खोलो मैंने आयत नंबर छियालीस खोल ली कुरान मजीद मुखातिब हुआ तुम वो है जिस रब ने नर और मादा मर्द और औरत और और बेटा और बेटी बच्चा या बच्ची दोनों किस्मों को पैदा कर दिया से उसी लुत्फे से जब तोली कतरा मां के रेह में टपका था उसी लुत्फे के बनते ही उस रब ने फैसला कर दिया कि बेटा है या बेटी है ये मजीद की आयत पढ़ ली देट ही क्रिएट द टू जेंडर मेल एंड फीमेल फ्रॉम ए फर्टिलाइज एट एजाई गोड वैन सेटल्ड इन टू द मदर अल्लाह बेटे इस कुरान को सैल्यूट तो कर दे इस कुरान मजीद को अल्लाह की किताब को सैल्यूट कर दे मेरी बहने और बेटियां भी सैल्यूट कर दें खड़े होकर सैल्यूट करें अल्लाह की किताब को जो हक की किताब है जो ताजदार कायनात पर उतरी जिसने इल्म को आखिरी मरतबे तक पहुंचा दिया और जिनकी सदाकतें और हकीकतें आज चौदाह सौ साल गुजरने के बाद साइंस तलाश कर कर करके आज तस्दीक करती जा रही है कुरानी मजीद की आयत है ना मैंने वजह की ना किसी और ने बैठ जाइए तसीब रखी ये चौदह सौ साल पहले उतरी हुई आयत है फरमाया इसातु, इसा लगा के वक्त भी मुतयन कर दिया अल्लाह ने मर्द और 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 औरत मेल और फीमेल ये दोनों जिनसे उस वक्त पैदा की में से जब वो डाला गया था टपकाया गया एन उस टाइम पर सेक्स डिटर्मिनेशन हो गई पहले एन उस टाइम पर सेक्स डिटर्मिनेशन हो गई और फिर वो दे फरमा के अब कुरान दावत देता है कि मान लो मुझे मेरे अल्लाह को मान लो वन अल नशा अलुखरा जिस तरह यहां से तुम्हारी तखलीक करता है वो रब इसी तरह वो मरने के बाद तुम्हें दोबारा जिंदा भी करेगा मजहब परिमान लाता है ये मजीद की पहली आयत करीमा है जो इस बाप में मैंने आपको समझाई सुबहानल्ला फिर मरहलाबार इसकी तश्कील शुरू हो जाती जो आपने तस्वीर देख ली है मरहला बार फिर आगे मजीद तवज्जो करें ये सूरह अन्नजम की आयत थी पैंतालीस और छियालीस अब इसी मौजू पर आ जाते हैं कुरान मजीद की सूरह आबासा सोरा नंबर अस्सी है मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोई ये ना समझे कि एक आयत थी अब उस आयत में तो कोई तशकीक की गुंजाइश ही नहीं है तवील की गुंजाइश ही नहीं है इतना क्लियर कट स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन है मगर मैं और मजीद इसकी तस्दीक के लिए और तायिद के लिए रेफरेंस देना चाहता हूं सूरह आबासा आयत आयात नंबर सत्रह से आयत सत्रह से उन्नीस तक आबा सत्रह से उन्नीस तक अगली आयत पर आ जाए कुरानी मजीद में अल्लाह रब ने फरमाया मैंने अर्ज़ किया कि कुरान हमें इस अमर पर ईमान पुख्ता करने के लिए दीन दीनों मजहब पर कुरान पर अल्लाह के रसूल पर अल्लाह की वही पर अल्लाह की जात पर ईमान को मजबूत करने के लिए एक और शहादत भी अथा कर ताकि शक करने वालों के पास शक की गुंजाइश न रहे शक के रास्ते बंद हो जाए और शहादत दे कुरान ने कहा हाँ हा, खोल लो मेरी एक और सूरत आबासा और उसकी आयत नंबर सत्रह अठारह उन्नीस को पढ़ो कुरान कहता है फरमाया कोतिल इंसान हलाक हो वो इंसान जो अल्लाह की मेरी कुदरतों का इनकार करता है मेरी शान खाकीत का इनकार करता है मेरी हस्ती मेरी वजूद और मेरी जात और मेरी शानों का इनकार करता है इंसान कितना ना शुक्रा है कि मैंने इतना कुछ बता दिया और उसके लिए कर दिया फिर भी वो मेरी अजमत की कदर नहीं करता मारिफत नहीं रखता फिर कुरान ने कहा मैं तुमसे पूछता हूं इंसान सोच मिन इन खला कहू अल्लाह ने उस इंसान को उस इंसान को किस चीज से पैदा किया किस चीज से पैदा किया आगे आयत नंबर उन्नीस मिन फतिन खाला कहू फा रहू ये दो लफ्जो तो तलब है उस नुतफा यानी से पैदा किया खाला कहू उस में से उसको पैदा किया फ़कद ही फा जो है ये आता है कि पैदा किया और उसके साथ ही ताकीद के लिए ताक़ीब मगर जल्दी फौरी बगैर फासले के बगैर वक्त गुजारे स्टेट अवे उसके मांग बाद फकद से पैदा किया और उसके खवास उसके जिन्स सेक्स डिटर्मिनेशन बच्चा है या बच्ची है बेटा है बेटी है काला है गोरा है ऊंचा है कद लंबा है छोटा है क्या खसायस है अकलमंद है नहीं है फ़कंद रहू वो ही जिन्स का यानी तो दाखिल किया नुतफा से साथ ही उसके सारे खवास व जनास का फैसला दिया पूरी खवास व जिन्स का तयन फरमा दिया बंदी कर दी पूरी प्लानिंग कर दी पूरी डिजाइनिंग कर दी इसको कहते हैं जेनेटिक प्रोग्रामिंग उस जाइगोट में उसको तख़लीक किया और तख़लीक करने के साथ उसी लम्हे उसकी जेनेटिक प्रोग्रामिंग कर दी तकदीर तखलीक और तकदीर स्पर्म और ओवम मिले उससे तकदीर हो गई तखलीक तकलीक खल्क हो गया और क्रोमोसोम मिले तो उससे तकदीर जेनेटिक प्रोग्रामिंग हो गई अब वो वो जो ह्यूमन सेल बना जाइगोड़ उसके अंदर सारे करेक्टरिस्टिक्स आ गए उसके क्रोमोसोम्स के जरिए आधे उसके बाप की तरफ से मिले बाप दादा दादी की तरफ से मिले आधे माँ नानी नाना वगैरह उधर से आए यानी दादियाल की तरफ से नानियाल की तरफ से सब जेनेटिक करेक्टरिस्टिक्स आए और उनको मिलाया द्दा हूँ मिला के जो जो खसलतें खूबियाँ कैरेक्टर जिस जिसम में दिमाग में रंग में कदोकामत में मिजाज में तबीयत में जो कुछ देना था वद्दा रहू उसी लमे सारी प्रोग्रामिंग कर दी उसको मालूम था कि इसको बड़ा अजीम नेवल साइंसदान बनाना है साइंटिस्ट और मिनहार यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनाना है और पाकिस्तान की नेवल फोर्सेस का सरबरा बनाना है वो सारी उसके काबिल की सलाहियत सलाहियतें उस उसीदरहू पैदा कर दी उसे मालूम था इसको डॉक्टर बनाना उसकी सलाहियत देनी इंजीनियर बनाना साइंटिस्ट बनाना आलिम बनाना रूहानी जौक देना दुनियावी जौक देना इसको गोरा करना इसको काला करना इसको सामबला करना कद ऊंचा करना खूबसूरत बनाना बदसूरत जो जो आप बाद में देखते हैं वो जाइगोट बनते ही फकत रहू बगैर किसी फासले के और वक्फे के सारी जेनेटिक प्रोग्रामिंग कर दी ये अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में डिक्लेयर कर दिए आप अंदाजा कर लिया पहले सूर नजम बता दी अब सूरह आबासा और ये जो मैंने कहा कि क्रोमोसोम दोनों तरफ से आते हैं और बाप दादा की खसलतें और माँ और दादी और बाप दादा और दादा वो भी ख़सलतें लाती हैं दादा दादी ऊपर तक और माँ और माँ के साथ नानी नाना उधर की ख़सलतें लाती हैं तो सब के करेक्टरिस्टिक्स जमा होते हैं जमा हो जाते हैं जब बनता है सेल तो बहुत सारी ख़सलतें जमा हो जाती अब ये जो नुकता है ये भी साइंस को आज मालूम हुआ है कि उसके अंदर जमा हो जाती हैं सारी सेल एक होता है नुत् मगर बहुत सारी कसीर खसलतें करेक्टरिस्टिक्स जमा हो जाती हैं इस पर कुरान क्या इसकी खबर भी आपने दी थी कभी इस नुकते की कुरान ने कहा हां सूरा दहर खोलो सूरअह कुरान ने जवाब दिया खोलो और सूरा दहर में या सूर इंसान भी कहते हैं इसको इसकी आयत नंबर दो को खोलो दो मैंने खोल ली तो कुरान गोया हुआ इन्ना खलकन इंसान इंसान को एक ऐसे नुस्फे से बनाया जिसके अंदर बहुत सारी चीजों का अख्तिलात हो गया है कई जेनेटिक जेनेटिकटरिस्टिक को जमा कर दिया है एक ही नुत्फे में यह लफ्ज पढ़े दुनिया में नुतफतिन शाजिन ऑफ मिंगल फ्लू गोट है जिसके अंदर बहुत सारी अमशाद जमा का सीखा है नुतफा वाहिद का लफ्ज है अमिशाद जमा है वाहिद मौसूफ है और जमा उसकी सिफत है सिफत जमा है वो इसलिए है कि बहुत सारी अखलात और औसाफ और करेक्टरिस्टिक्स उनको जमा करके इस एक सेल में अल्लाह ने रख दिया अब वो दादियाल की तरफ से भी खसने पाता है नानियाल की तरफ से भी बेटा आपके घर पैदा हुआ पता चला कि नाने पर गया पता चला दादी पर गया पता चला दादे पर गया पता चला आंखें बाप पर है नाक नाने पर है गाले माँ पर हैं, रंग माँ पर है कदो कामत दादियाल पर है ये नुस्फतन नमशाज़न सब की तरफ से जमा कर दी चीजें जो चीजें साइंस को आज मालूम हुई हैं अपनी तहकीक के साथ कुरान मजीद ने चौदाह सौ साल कबल उनको बयान कर दिया ये क्रिएशन अब इसके बाद आगे चलिए अब पलट के मैं सारी तफसीलात आपको दे दी क्योंकि मैं एक सब्जेक्ट लेता हूं डॉक्टर कीर्थ मूर की स्टोरी से तो फिर मैं उस सब्जेक्ट को तीकत के साथ और बढ़ाता चला इलेबोरेट करता हूं इलेबोरेट करता हूं अब पलट के डॉक्टर की अपनी स्टेटमेंट पे फिर आ जाएंगे वो कहते हैं कुरानी मजीद की आया है करीमा सबसे पहली बात जो कुरान में डॉक्टर करते हैं वो सूरत नंबर है उनतालीसुमर अजुमर उसमें कुरानी मजीद ने एक बात की है ये वो नुकता था जो डॉक्टर मूर ने मुझे बताया और उसने अपनी किताबों में लिखा उसने कहा इस अमर ने जब मैंने ये पढ़ा मैं चकरा गया है, हैरत में डाल दिया कुरान की स्टेटमेंट में और मेरे पास कोई और चारा ना रहा ये मानने के बगैर के कुरान अल्लाह की सच्ची किताब है वो कहते हैं सबसे पहली आयत जिसने मुझे चौंका दिया वो ये थी वो सूरा अज़ुमर की आयत नंबर छः है जिसके अंदर इशाद फरमाया कि अल्लाह पाक ने खाला का कुमें नफसि वाहिद अल्लाह पाके ने तुम्हें एक सेल से पढ़िए सबको एक हयातियाती खुलिया से पैदा किया एक सेल से. बताइए ये खुलिया का इल्म किसने दिया था मेरे आका अलैहिस्सलातु सलाम को हयातियाती खुलिया एक जाइगोट एक जेनेटिक करेक्टरिस्टिक्स का इम्तजाद ये इल्म किसने अता किया था कोई है जो वही करता है अपने पैगंबरों को और इंसानियत को वो इल्म उस जमाने में दे देता है कि आने वाली सदियां फिर सांसी तहकीक के बाद रफ्ता रफ्ता उसकी तस्दीक करती चली जाती तो फरमाया एक जान से एक सेल से पैदा किया और आगे शांत फरमायाख लोको कुम फी बुतून और माओ के पेटों में वो तुम्हारी माओ के रहमों में एक तखलीकी मरहला के साथ अगले तखलीकी मरला में तरतीब के साथ मरहला वार तुम्हारी तश्कील फरमाता है ये खास लफ्ज हैं, यखलुकुकुम कुम फी बुथुन उम्म कुम खल कम्बा खन वो मरहलाबाद पहले एक मरले में तुम्हारी तश्कील करता है शक्ल बनाता है फिर उसके बाद अगले मरले में मुंतकिल करता है फिर उसके बाद अगले मरले में मुंतकिल करता है यानी माँ के पेट में बच्चा मरहला दर मरहला तश्ल के और इर्तका के प्रोसेस से गुजरता है ये पुरानी मजीद की आयत इस पर डॉक्टर ने कहा कि यह बात मैं पहले बयान कर चुका हूं इस अमर में कोई शक नहीं वो कहता है ह्यूमन एम्ब्रियो डेवलप्स इन स्टेजेस वॉज नॉट डिस्कस्ड इन इलस्ट्रेटेड अनटिल द फिफ्टीन सेंचुरी ह्यूमन एम्ब्रियो इंसान का जो ये एम्ब्रियो है जमीन है मां के पेट में इब्तदाई हालत इसका इर्तका मरहला दर मरहला होता है खल कम मिबाद खलकिन स्टेज बाई स्टेज होता है वो कहता है कि पंद्रहवीं सदी ईसवी तक यह मरहला वार तश्ल का भी पूरी कायनात इंसानी को नहीं था यह तस्दीक कर रहे हैं साइंसदान और आका ने मरहला वार तश्ल के इल्म को साइंस के नॉलेज से सात आठ सौ साल पहले बयान कर दी थी खल कम मिबाद खलकिन और दूसरे मुकाम पर फरमाया था कद खाला अतबारा तुम्हें स्टेज बाई स्टेज स्टेप बाई स्टेप तश्ल करता है और उसके बाद वो कहता है कि बीसवीं सदी तक मालूम नहीं था जबकि स्ट्रीटर ने नाइनटीन फोर्टी वन में डिवेलप द फर्स्ट सिस्टम ऑफ स्टेजिंग स्ट्रीटर ने माइक्रोस्कोप के जरिए पहला सिस्टम डिवेलप किया उन्नीस सौ इकतालीस में स्टेजिंग का के कौन से मरहले हैं जिन में से बच्चा गुजर गुजर के तश्कील पाता है ये 1941 में विच हैज नाउ बिन मोर ग्रेट सिस्टम जो 1975 में और डेवलप हो गया कहते सौ इकतालीस में जाके उसने ये डे बहस की इस तरह कुरान ने 1400 साल पहले तफसील के साथ उन मरलों की तशकील का जिक्र कर दिया उसके बाद इसी आयत के हवाले से वो दूसरी बात करता है अपनी किताब में इसी आयत में वो कहता है, darkness, इन सलास। और जब करता है तुम्हें मरहला दर मरहला तो जुलमत के यानी अंधेरे तीन पर्दों के अंदर तश्ील करता है मां के पेट में तीन पर्दों के अंदर उसके बाहर एक पर्दा उसके बाहर फिर एक और पर्दा उसके बाहर एक और पर्दा इस तरह तीन पर्दों के अंदर तीन पर्दों के अंदर तश्कील होती वो कहते हैं उन्नीस सौ इकतालीस से पहले सिस्टम ईजाद होने से पहले किसी को पता नहीं था कौन से पर्दे और तीन पर्दे किस तरह चौदह सौ साल कबल अल्लाह का नबी और अल्लाह की किताब बता रही है कि माँ के रेम के अंदर पेट में जब तश्कील पाता है बच्चा तो तीन पर्दों के अंदर वो तश्कील पा रहा होता और उसने कहा कि ये साइंस ने तस्दीक कर दिया कि वो तीन पर्दे हक हैं वो कहता है डॉक्टर की तमूर थ्री व्हील्स व्हील्स ऑफ डार्कनेस में रेफर टू वन एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल एक पर्दा है दूसरा द यूटराइन वॉल ये दूसरा पर्दा है और तीसरा एमनियो कोरियोनिक वॉल। एमनियो कोरियोनिक वॉल ये तीसरा वो कहता है एक इंटरप्रिटेशन और भी है तीन पर्दों की मगर वो कहता है ये ज्यादा एक्यूरेट है साइंटिफिकली ज्यादा एक्यूरेट उसने बता दिए नाम के ये तीन पर्दे हैं जिनके अंदर बच्चा पा। वो मेरे सामने उसने इजहार किया सर पकड़ के उसने कहा कि मैं मुद्दतों तक दंग रहा कि तीन पर्दों की खबर तो भाई पचास साल पहले तक दुनिया में किसी साइंसदान को नहीं थी हमें नहीं थी ये चौदह सदिया पहले मुसलमानों का कुरान किस तरह तीन पर्दों का जिक्र कर रहा उसके बाद फिर तश्कील होती है जब मैंने आपको ये बात बताई कि जब आगाज हो जाता है इंसानी जिंदगी का तो फिर मरलावार तश्कील होती है फिर डॉक्टर कीतमोर और दीगर जो साइंटिस्ट एंड ऑटोमिस्ट हैं जो इनके साथ को ऑथर्स हैं सारे वो बयान करते हैं कि कुरानी मजीद ने फिर स्टेजेस बयान की और वो स्टेजेस ये बयान की हैं सुने सुम खलक नुतफा था आला फिर वो जो नुतफा था जाई रे में मादर के अंदर उसको हमने आलाका बना दिया आलाका कहते हैं जैसे जोंक होती है जोंक लीच ये जोंके लगाते थे ना पहले जमाने अब भी कोई देहातों में पता नहीं करते होंगे नहीं मगर पहले मैंने तो देखा हुआ है आपने भी देखा होगा नहीं बेटे इससे पहले की तस्वीर है सोरी ये ये नहीं ये अगला स्टेप है जोंक होती थी जो जिसम को लगाते थे ये वो जो खून को चूसती है अब तो आपको शक्ल याद आओगी योगी नीचे वाली जोंके होती थी वो जिसम पे लगा देते थे, थे वो खून को चूसती थी तो जिससे खून निकालते थे इन्फेक्शन वाला निकालने के लिए पहले जमाने का तरीक था जोंक उसकी एक शक्ल है और कुरानी मजीद ने कहा रेह में मादर में उसको मुअलक कर दिया एंडोमीटियम जो लाइनिंग है यूट्रस की उसके साथ उसको जोड़ दिया लटका दिया लटका दिया मुअलक आला का तन लटकने वाली चीज को कहते हैं लटकने वाली हैंगिंग मास जो हैंग करे और शकल उसकी हो लीच की तरह आला का जोंक की तरह मुझे बोलिए ये जो ये छोटा इतना साइज होता है और यहां दिलचस्प बात है जब डॉक्टर कीत मूर ने यह तहकीक अनाउंस की अनाउंस की कैनेडा के अखबार ने एक बड़ी दिलचस्प किस्म की खबरें लगाई नेशनल न्यूज पेपर ने और खबरों की हेडलाइनिंग सुर्खियां ये थी हेडलाइन सुर्खियां कि दुआओं की एक किताब में दुआओं यानी कुरान मजीद को कहा दुआएं प्रेयर्स की एक बुक में दुआओं की किताब में इंसानी तखलीक के बारे में हैरत अंगेज इंकशाफ हो गए आज की साइंस के मुताबिक ये ये खबर चली नाम भी नहीं लिखा था कुरान का पुराने जमाने की दुआओं की एक किताब ने इंकशाफ कर दिया उस चीज का इंसानी तखलीक के बारे में जो आज साइंस ने बताई बस इतनी खबर लगी लोग पढ़ते रहे देखते रहे वो कौन सी किताब है दुआओं की नाम भी नहीं लिखा डॉक्टर कीतमूर के जो कोलिग्स थे कोलीग्स प्रोफेसर सारे इकट्ठे हो गए उन्होंने पकड़ लिया उसको उसने कहा ये क्या बातें कर दी आपने इससे आगे भी मर लें उन्होंने ये कहा ये दिलचस्प स्टोरी है अंदाजा करें उसने कहा भाई मैंने तो कुछ नहीं कहा उसके जो जो मसीही लोग थे ये भी उन्होंने मुझे खुद बताया बात खुद बताया 1995 नाइनटी में जो क्रिश्चियस थे चर्च के लोग उन्होंने कहा तुमने अगर कुरान से ऐसी बातें निकाल दी है तो मुसलमानों के मजहब को तकलीत पहुंच रही है स्ट्रेंगन कर रहे हो तो तुम बाइबल से भी निकालो कम से कम अपने मजहब की भी खिदमत करो बाइबल और तुरात और इंजील से भी निकालो ये उसने मुझे खुद बताया मैंने कहा मैं सौ बार निकालता अगर बाइबल में मुझे ऐसी कोई साइंटिफिक चीज मिलती मेरा मजहब है मसीहत मगर मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं कि कुरान की जिस आयत को देखता हूं वो साइंसी हकायक पर मबनी है और बाइबल पूरी में एक मुकाम भी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन की एक्यूरेट पिक्चर नहीं देता बाइबल में है नहीं मैं निकालू कहां से वो, उसने कहा ले आए मेरे पास बाइबल के मुकाम मैं उसको भी तहकीकू मैं तो साइंटिस्ट हूं मेरा काम सच बोलना है साइंसी तहकी कुरान में सब कुछ है बाइबल में नहीं है साइंटिफिक साइंसूर कोई स्टेटमेंट अच्छा उसके बाद उसके यूनिवर्सिटी के कोलीग्स जमा हुए, जो में बिलीव नहीं करते थे वो कहने लगे और क्रिश्चियन जो कहने के ये भी तो मुमकिन है कि आपने कहा 1400 सौ साल पहले मुसलमानों के पैगंबर ने कुरान में सारा कुछ ये बता दिया था वो कहने लगे ये भी मुमकिन है कि उन्होंने उस वक्त इसी औरत का पेट फाड़ कर के जमाने में औरत का पेट फाड़कर रेह में मादर के अंदर ये सारा कुछ देख लिया हो और देख कर कुरान में लिख दिया हो ये कीस मूर के होलीग दोस्तों ने कहा क्या ये मुमकिन नहीं वो से पड़ा उसने कहा हाँ हा, पेट फाड़ना तो मुमकिन है कि वहां के अरबों ने उस जमाने में किसी का पेट फाड़ दिया हो मगर बदकिस्मती कि जब वो जायोट बनता है नुचफा और आला का बनता है और अगली स्टेजेस आती हैं ये इतनी छोटी होती हैं कि नंगी आंख से नजर ही नहीं आती आंख देख ही नहीं सकती बारीक बारीक चीजों की क्या खबर होगी आंख को सिरे से इनका वजूद ही आंख को नजर नहीं आता यही वजह है वरना तो साइंसदान ही किसी औरत का पेट फाड़ के तो पहले निकाल लेते ये मालूम उन्नीस सौ इकतालीस से पहले चौदह सौ साल गुजरे तो साइंसदान भी तो थे ना वो भी डाइसेक्ट करते हैं ना हर वक्त ऑपरेशन करते हैं डाइसेक्ट करते हैं स्टडी करते हैं खरगोशों की भी और फ्रॉग्स की ये जो मुख्तलिफ चीजों की मैं, मैंने भी की हुई है एफ एस सी में पढ़ता था मेडिकल साइंस में तो खरगोश की भी और फ्रॉग की हम डाइसेक्शन करते थे सीखते थे फाड़ के तो अंदर स्टडी करते थे मेडिकल साइंस में और फिर डॉक्टर्स तो आगे फिर बहुत बड़ी करते हैं उसने कहा तो साइंसदान भी किसी औरत का पेट फाड़ के स्टडी कर सकते थे चौदह सौ साल क्यों बैठे रहे वो इसलिए कि माइक्रोस्कोप इजाद नहीं हुई थी और माइक्रोस्कोप के बगैर ये जो जाइगोट है और लीच है का ये नजर ही नहीं आते इतने छोटे हैं कि माइक्रोस्कोप के, के बगैर नजर नहीं आते हमारे यहाँ तो आज की दुनिया में हमारे लोगों को तोप के बगैर चांद नजर नहीं आता माइक्रोस्कोप के बगैर वो अलगा कहां से देख लेते तो वो हंस के उसने कहा कि हाँ, वो फाड़ तो देते मगर नजर कुछ नहीं आता था ये तो 1941 में माइक्रोस्कोप के साथ एक नया सिस्टम डेवलप हुआ हालांकि आम माइक्रोस्कोप उससे भी 200 साल पहले आ गई थी उस सिस्टम ने डेवलप होके आज स्टडी करके बताया कि इस तरह चीज बनती है तो खामोश हो गया उसने कहा कि मान लो अल्लाह की जात के सिवा और अल्लाह की वही है रब्बानी के सिवा और मोहम्मद के सच्चे पैगंबर होने के सिवा और कुरान की सच्ची आसमानी किताब होने के सिवा कोई जवाब नहीं है इस सवाल वो प्रीचर बना उसने मुझे बताया मैं चर्चेस में जाता हूं यूनिवर्सिटीज में जाता हूं और कुरान हाथ में लेकर मैं लेक्चर देता हूं दुनिया सुनती है दंग रह जाती है आज तक कोई साइंटिस्ट कोई शख्स इसका इंकार नहीं कर सका ये उसने मुझे बिल मुशाफा बताया फिर आगे कुरानी मजीद ने कहा आला का मुद खतन फिर वो जो जोक अब देखिए किसने देखा शक्ल जोक की आंख तो देख नहीं सकती माइक्रोस्कोप बड़ा करके दिखाती है ना तो माइक्रोस्कोप ने बड़ा करके दिखाया तो जोंक की तरह नजर आई लीच की तरह मुझे बता किसने माइक्रोस्कोप दे दी उसने फिर मुझे ये जो डॉक्टर एक दिलचस्प बात आगे की उन लोगों को कहा उसने कहा यह तो मुमकिन नहीं है आप यूं यह हो सकता है कि उस जमाने में किसी बंदे के पास माइक्रोस्कोप चुकी हुई पड़ी हो घर में चौदह सौ साल पहले यूं हो सकता है मक्का में किसी के घर माइक्रोस्कोप थी उससे उधार ले आयो हो और माइक्रोस्कोप के जरिए स्टडी करके कुरान में लिख दिया हो और फिर माइक्रोस्कोप तोड़ दियो और फिर वो चौदह सौ साल इंसानों को मिली नहीं फिर दोबारा हिजाद की उसने कहा इस तरह की बातों के तो ये जवाब होंगे अगर सच्चाई को नहीं मानेंगे तो इस तरह की गप होगी फिर अल्लाह पाक ने फरमाया हमने फिर उस आलाका को जो जोंक की तरह है वजूद उसको फिर तो खलकन आलाका मुदान एक ऐसा लोथड़ा बना दिया अब लोथड़ा जो देखने में यू लगता है जैसे गोश्त की इस बोटी को दांतों से चबाया हुआ हो डिस्क्रिप्शन देखें उस नुतवा को रे में मादर के अंदर जोंक की तरह लटका दिया और फिर आगे फिर आगे फरमाया कि हमने फिर उस जोंक से मुंतकिल किया अगला स्टेप नेक्स्ट स्टेज उसको मुदगा बनाया मुदगा कहते हैं ऐसा लोथड़ा जो यू लगे जैसे दांतों के साथ गहरे दांत गाड़ गाड़ के किसी ने नहीं बेटे पिछली तस्वीर चबाया है किसी ने वही तस्वीर कायम रखे अब ये देखें माइक्रोस्कोप ने देखा बेटे पिछली तस्वीर हाँ यही इसी पे अब गौर से देखें अब वो जो जोंक थी उसके अंदर ऐसे लग रहा है कि किसी ने मुंह में डाल के दांतों से चबाया है और चबा चबा के देखे दांतों की चबाई हुई तस्वीर लग रही है किसने साल कब्र ताजदार कायनात को बता दिया था कि अलाका की बाद मुदगा की शक्ल ये होगी किसने देखा था किस आंख ने देखा था किसने बताया था अगर अल्लाह का वजूद नहीं है तो इसका कोई सोर्स बता दिया जाए खुदा की जात नहीं है तो बताने वाला कौन है समझा दिया जाए कुरान अल्लाह की सच्ची किताब नहीं है वही पर मबनी तो फिर इस सवाल का जवाब दे दिया जाए मेरे बेटो बेटियों अजीजान मोहतरम अल्लाह पाक ने बहुत बड़ी कायनात मारिफत और हक की आपको दी है इससे न पागो और जो लोग बिखरे हुए गुमशुदा हैं अब देखे ना उनका आलम तो यह है मैंने आपको सेक्स डिटर्मिनेशन समझाई कि पहले लम्हे कुदरत फैसला कर देती है फकदारू बेटा बनेगा या बेटी जिन मुत्यन हो जाती है ये लॉ ऑफ नेचर है अब सुने बात आपको बुलाते हैं कि छोड़े ना खुदा को माने ना रसूल को माने ना कुरान को ना मजहब का ना दीन इस्लाम को सबको छोड़ दे तो किसको माने वो कहते हैं लॉ ऑफ नेचर को माने कानून कुदरत को अब यहां पर मेरा एक दिलचस्प सवाल है आपको कहते हैं कानून कुदरत को माने और मैंने आपको दिखा दिया बता दिया कि कानून कुदरत यह है कि पहले ही मरहले लड़का है या लड़की इसका फैसला हो जाता है यह कानून कुदरत है आप और मैं नहीं करते आपका टीचर नहीं करता आपकी टीचर नहीं करती पहले लम्हे मेल फीमेल बेटा बेटी का फैसला हो जाता है। यह लॉ ऑफ नेचर है कानून कुदरत है मगर वो लोग जो ऐसा इंतजार लादीनियत और ना नाखुदाइत फैला रहे हैं वो क्या पढ़ा रहे हैं आज बच्चों को वेस्टर्न वर्ल्ड में मगरबी दुनिया में क्या पढ़ा रहे हैं पूरी मगरब में पूरी मगरबी दुनिया में और वो फितना फिक्री फितना पाकिस्तान में मुसलमान मुल्कों में जाया जा रहा है अगले चंद सालों का इंतजार करें आप सर पकड़ेंगे मेरी आज की बात को लिख के रख लें ये फितना वहां भी होगा पाकिस्तान के स्कूलों में यह कफर सीख कर आएंगे जो पढ़ाया जा रहा है मगरबी दुनिया में क्योंकि हम लोग पीछे पीछे चलते हैं हम अंधे हैं हम फॉलोअर हैं ब्लाइंड हैं जो मगरब से मिलता है देखे सच झूठ हक और बातिल देखे बगैर फॉलो करते हैं हम इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं। कम है एहसास कमतरी है हमें गोरे हमें ऊंचे नजर आते महसूस होते हैं हम जरा भूरे हैं हम समझते हैं हम कमतर हैं गुलामी अभी तक जेनों से नहीं निकली जो यहां से बता दिया गया समझते हैं हक है और जो कुरान ने बता दिया उससे हमने गर्दन हटा दी वो क्या कानून है कुदरत के खिलाफ पढ़ाया जाता है बच्चों को कहा जाता है कि ये फैसला करना तुम्हारा इख्तियार है कि तुम मर्द हो या औरत अपनी जेंस खुद चूज करो अब यह पढ़ाया जा लड़का है उसको कहा जा रहा है कि तुम्हारी मर्जी तुम अगर लड़की बनना चाहो अपने आप को लड़की समझो बस जरूरत नहीं है अपने आजा को देखने की जरूरत नहीं है अपनी जेंस को देखने की वो जेंस जो कानून कुदरत ने बनाई है यहां कानून कुदरत की मुखालफत हो रही है तो कानून कुदरत एक खिलौना है जिस तरह चाहे लगा दिया जहां से चाहे हटा दिया लड़के को कहते हैं अगर आपको लड़की होना पसंद है तो आज से अपने आप को लड़की समझो बच्चियों को पढ़ाया जा रहा है अगर आपको बच्चा होना पसंद है तो आज से अपने आप को लड़का समझो बस और माँ बाप को नहीं बताना बस अपने में ये बात करने लग जाओ लड़के को कि मैं लड़की हूं आज से लड़की हूं मतलब क्या है लड़कियों के साथ खेलो और लड़की को कह दिया कि अगर आपको लड़का बनना पसंद है आज से लड़कों के साथ जाओ और तुम लड़का हो मां बाप को बताने की जरूरत नहीं ये जब 10-12 साल पाँच छः आठ साल बच्चे के जहन में राशक हो जाता है राशक हो जाता है तो लड़का अपने आप को लड़की समझती है लड़की लड़का समझती है तो उसके बाद हलाल और हराम खत्म हो जाता है न हलाल रहा ना हराम रहा न कानून कुदरत रहा न कानून फितरत रहा न जिन्स की कानूनी कुदरती तकसीम रही ना अल्लाह के हकाम बरकरार रहे ना फैमिली रही ना शोहर और बीवी रही ना निकाह रहा ना हराम और हलाल की औलाद रही सारा निज़ाम इस फिक्र के जरिए तबाह किया जा रहा है बैन अवी एजेंडा है खुदा हो। हो। के वजूद का इनकार करो कुरान का इनकार कराओ मजहब का इनकार कराओ ताकि लड़कियां लड़के बनते चले जाए जो चाहे लिबास पहने आपस में इख्त करें आहिस्ता आिस्ता फैमिली स्ट्रक्चर टूट जाएगा शादियां खत्म होगी और हरामी बच्चे पैदा करेंगे औलागे होंगी इस तरफ ले जाया जा रहा है ये बैन अकावी एजेंडा है और आगे आने वाले वक्तों में अभी तो ये यानी दहरीत है या ना नाखुदाइत है या इनकार खुदा और इनकार मजहब का फितना है इससे आगे अपने वजूद का अपनी जेंस का भी इनकार आने वाला है लड़का कहेगा मैं लड़की हूं कौन होता है मुझे यह सुनाने वाला फैसला करने वाला मेरी मर्जी मेरी मर्जी मैं लड़का बनना चाहूँ या लड़की बनना चाहूँ यह कहेंगी बचियों में ये तालीम चल रही है जिसको हम आप फॉलो करते हैं ये कानून कुदरत है तो मकसद बात का बाद तो उसके बाद फरमाया कि इस तरह आपने देखा दांतों से चबाई हुई बोटी की तरह लंबी शक्ल दिखाई दे रही है ये किसने दिखा दिया था मेरे आका अल्लाम को किसने कुरान को बता दिया था सिवाय इसके कोई जवाब तारीफ इंसानियत में दे सकता है कोई कि सिवाय अल्लाह की वही के और खुदा की जत के और अल्लाह के पैगम्बर और वही रब्बानी के अब आगे अब देखिए ना तस्वीरें तो अब मिली हैं आपको उन्नीस सौ इकतालीस के बाद माइक्सोप ने दी है पिक्चर तस्वीरें अब मिली हैं और बताया एक एक तफसी के साथ कुरानी मजीद ने चौदह सौ साल पहले फिर फरमाया तो खलक न और फिर ये जो मुदगा है चबाया हुआ जैसे सबस्टेंस है लोथड़ा इसके ऊपर फिर हडियां चढ़ा दी उसके अंदर फिर हड्डियों का ढांचा से बनाया इसी से और इजाम साथ ही इन हडियों पर गोश्त और पट्टे चढ़ा दिए स्टेप बाय स्टेप बयान हो रहा है किसने बताया था कि इस तरह तरतीब से बच्चे की नश्वनुमा होती है कौन देख रहा था किस खुर्दबीन से देखा जा रहा था खल का ना उसके बाद दूसरी खालक बना दी जाती है यानी पूरा एक बच्चा वजूद, में आ जाता है। पूरा बच्चा वजूद में आ जाता है बच्चे की आप दिखाएं कि किस तरह बेटे इन मरायल से गुजर के बच्चे की शक्ल किस तरह बनने लगती है अब कुरान मजीद ने एक और बात की ये बच्चे की शक्ल तरतीब से बनने लगती है यहां कुरान मजीद ने एक और बात की बड़ी जी जब ये मुदा की स्टेज होती है और उससे आगे जब बच्चे की नश्वनुमा होती है तो कुरान मजीद कहता है कि ऐसी स्टेज आती है उसमें कि वो जो आला का होता है मखला का दिन कि वो दो किस्मों की उसकी शक्ल होती है ये कुरान मजीद में एक और जगह पर फरमाया कि कुछ हिस्सा उसका ऐसा होता है जो आइडेंटिफाई जो पहचाना जा सकता है कुछ वो आजा नहीं पहचाने जा सकते तो एक स्टेज ऐसी आती है कि पता नहीं चलता कि ये इंसान कैम्ब्रियो है या मुर्गी के बच्चे का है या फला का या फला का तकसीम नहीं हो सकती कुछ आजाद खुले निखरे होते हैं कुछ आजा अभी बंद होते हैं उनकी शक्ल नहीं पूरी बनी होती मिडल की स्टेज होती है ये कुरान मजीद की सूरह अलहज में आज माइक्रोस्कोप ने वो तस्वीर भी दिखा दी सूर्य अलहज में आयत नंबर पांच में अल्लाह पाक ने फरमाया था

इस पर चौंक उठे थे कीथ और और डॉक्टर की स्टेटमेंट के मुताबिक फिर उसके बाद उन्होंने कहा ये फिर उनकी वो किताब छपती थी द डेवलपिंग ह्यूमन जब उसका पांचवा एडिशन आया पहला छप गया उसकी दूसरी तीसरी चौथी जब पांचवा एडिशन छपा तो उसका प्रीफेस लिखा उसके अंदर कुरानी मजीद के सारे हवाले दे दिए और मुझे वो पांचवा एडिशन की कॉपी दी और अपने आर्टिकल्स अलग से लिखे और इस तरह चलते चलते फिर इंसान की शक्ल तश्कील पाती है छोटा सा अम्बरी एक छोटा सा इंसान बनता है छोटा सा और उसमें फिर बड़ी अजब बात कुरानी मजीद ने की और तो वो बात यह कि सूर असजदा सूर असजदा उसमें शाद फरमाया यहां इस बात से पहले मैं एक नुकता क्लियर कर लू ये जो छह स्टेजेस बयान की अल्लाह पाक ने इनको जब पैदा करता है सुम खलक नुतफत खलक व खलाम आखर फ़ार्लासिन ये सारी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की स्टेजेस बयान की इसमें जो दिलचस्प चीज है बड़ी हैरत अंगेज जिसके ऊपर साइंटिस्ट मगरबी दुनिया के हैरान हैं और डॉक्टर्स ने की और उनके कोलीग्स और प्रोफेसर ने लिखा कि ये एक आयत है इस आयत में जो जो मरहले आते हैं ना तब्दीली के इंसान के तश्कील के मरहले आते हैं जो तब्दीलियां जल्दी जल्दी होती हैं बहुत थोड़े थोड़े टाइम के बाद होती हैं उसका जिक्र फा के साथ किया है फल अला फलकनल मुदगा निज़ाम फकनल इज़ाम जो तेजी के साथ तब्दीली होती है वहाँ फा लगाया है फा जब लगे तो उसका मतलब होता है कि इसके फौरी बाद हमने ये बना दिया इसके फौरी बाद हमने ये बना दिया इसके फौरी बाद उसको इस मरले में दाखिल कर दिया जब फा लगता है हर फा तो वो फौरी बाद का होता है और जिन मरलों में तब्दीली में ज्यादा टाइम लगता है कई दिन हफ्ते लगते हैं कई हफ्ते ज्यादा टाइम लगता है उनका बयान कुरानी मजीद ने किया सुम्मा के साथ कि उसके बाद हमने ये बनाया उसके बाद तो कुरान ने फरमाया खत अतन फिर आगे चल के कहा सुम्मा अनशा ना हो तीन बार सुम्मा कहा एक ही आयत तीन बार सुम्मा उन मवा पर जिन एक मरले से दूसरे मरले में तब्दीली पे ज्यादा वक्त लगता है उसका बयान सुम्मा 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 करके और जो मरले तेजी के साथ तब्दील होते हैं तेजी के साथ वो तीन मरले हैं उनमें फा 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 का अब ये एक ही आयत में एक चीज एक मरले के बाद बन रही है फिर अगली चीज उसके बाद बन रही है फिर उसके बाद अगला मरला आ रहा है मरला वार नश्वानुमा बढ़ रही है मगर कहीं फा के साथ बयान करना कहीं सुम्मा के साथ बयान करना फर्क करने के लिए कि इन दो मरलों में वक्त का फासला बहुत कम है इन मरलों में बहुत कम है इनमें बहुत कम है और ये ये मरले वो हैं जहां काफी दिन और कई हफ्ते लगते हैं आगे चेंज आने में ये तकसीम और ये तफरीकुरान मजीद को किसने बता दी ये अल्लाह के रसूल को किसने बता दिया

इसके बाद अल्लाह पाक ने फिर जब आजा बनाए मुख्तलिफ तो आजा में कानों का और आंखों का जिक्र किया और हर जगह फरमाया कान पहले बनाए आंखें बाद में बनाए जब आजा बनते पेटों में से निकाला बनाया वजुसम अबल अबसार और तुम्हारे लिए कान और आंखें बनाई समात और बसार सूरा मुल्क में फरमाया कुल वल्लजी अनश आकुम वो जात है अल्लाह की जो तुम्हें माँ के पेट में ग्रेजुअली बिल्डअप करती है नश्व नुमा देती है वजह अल्लाह को मुसम अवल अबसार जहां भी जिक्र किया अल्लाह पाक ने कुरानी मजीद में कान का पहले आंख का बाद में कान पहले आंख बाद में अब ये इतनी एक बारीक चीज है ये चौदह सौ साल पहले इस तरतीब किसी एक जगह तरतीब नहीं बदली कहीं आंख का जिक्र पहले और कान का बाद में आ गया हो ऐसा नहीं किया इसकी वजह क्या है मां के पेट में बच्चे के कान बनने का अमल पहले शुरू होता है आंख बनना उसके बाद शुरू होती थोड़ा सा फर्क होता है थोड़ा सा अब वो जो कान के अंदरूनी पर्दे बन रहे हैं इधर आंख का अंदरूनी पर्दा बन रहा है थोड़ा सा फर्क है मगर पहले कौन पीछे कौन ये किसने बता दिया ताजदार ये किसने बता दिया कुरानी मजीद को अगर अल्लाह की जात नहीं और आज की सांस बताती है कि बच्चा मां के पेट में पांचवें महीने में सुनना शुरू कर देता है पांचवें महीने में बच्चा जब उसकी उम्र पांच माह होती उसमें सुनना शुरू कर देता है मां के दिल की धड़कन सुनता है अंतरियों की आवाजें सुनता है सुनना शुरू कर देता है और जो कानों का पर्दा है यह तो सुनना शुरू करता है मगर जो इब्तः होती है वो तीसरे हफ्ते में तीसरे हफ्ते में जब उसकी जिंदगी शुरू होती है तीसरे हफ्ते के आखिरी हिस्से में उसके कानों के अंदरूनी पर्दे का आगाज हो जाता है अंदरूनी पर्दे का आगाज हो जाता है और इसके बरक्स आंखें आंखों का पर्दा चौथे हफ्ते में शुरू होता है यानी बिगिनिंग से इब्तदा से पहले तीसरे हफ्ते में कान का अंदरूनी पर्दा शुरू होता है और चौथे हफ्ते में आंख का अंदरूनी पर्दा एक हफ्ते का फर्क है इकट्ठी प्रोग्रेस हो रही है एक हफ्ता कान का पर्दा पहले आ रहा है आंख का बाद में किसने बताया यह फर्क मेरे आका आकाम को किसने बताया यह फर्क कुरान मजीद को अगर खुदा नहीं है और यह इल्म उतारने वाला अल्लाह की जात नहीं है तो कौन इस चीज से आगाही देने वाला था और यह अमल एंड तक आगे आगे चलते हैं कान और समात और पीछे पीछे आंख चलती है अपनी तश्कील में और फालियत में हती के बच्चा अपने पैदा होने से सोलह हफ्ते पहले सोलह हफ्ते पहले आवाजों को सुनने लग जाता है तकरीबन तो चार महीने पहले जो मैंने पांच महीने का बताया मगर निजाम में बसारत को इतनी जल्दी नहीं होती चौदह सौ साल कबल इस समय तकदुम का बसरी रफ्तार पर किसने इल्म दे दिया था यह सारा कुछ बयान करके इस पर डॉक्टर मूर ने अपना नतीजा लिखा नतीजा उसका नतीजा जो एतराफ किया और उसने कहा द इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्सेस इन द कुरान रेफरिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट वुड नॉट हैव पॉसिबल एडी उसने कहा जितनी तफसीत इंसान के वजूद की तश्कील के और तरक्की के नशो वनुमा के माँ के पेट में कुरान ने बयान कर दिए हैं वो कहते हैं हम साइंटिस्ट के तौर पर कहते हैं कि ये उस सदी में जब रसूल वसल्लम ने कुरान दिया इंसानियत को मुमकिन नहीं था जानना और इवन ए हंड्रेड ईयर्स अगो वो कहते हैं चौदह सौ साल की बात तो छोड़े उन्होंने लिखा आज से एक सौ साल पहले भी किसी को मालूम नहीं था कोई जरिया नहीं था और आगे लिखते हैं वी कैन इंटरप्रेट देम नाउ बिकॉज़ द साइंस ऑफ मॉडर्न एंब्रियोलॉजी अफोर्ड्स अस न्यू अंडरस्टैंडिंग आज हम बयान कर सकते हैं हमारी नई बात नहीं क्योंकि आज हमारी किताबों में यह इल्म आ गया है मगर तो किताबों में इस इल्म को आए हुए अभी 100 साल पूरे नहीं हुए 80 साल हुए 80 साल हुए तो 1400 साल पहले ये बताना तो ये लफ्ज गौर से सुने डॉक्टर कीतमूर के वो कहता है फॉर दिस रीजन डिस्क्रिप्शन ऑफ द ह्यूमन एम्ब्रियोज इन द कुरान कैन नॉट बी बेस्ड ऑन एनी साइंटिफिक नॉलेज इन द सेवन सेंचुरी लिहाजा ये बात तयशुदा है कि कुरान में बयान की गई ये तफसीलात किसी लिहाज से भी हजूराम की बेसत के जमाने में सातवी सदी ईस्वी में साइंसी इल्म के जरिए मुमकिन नहीं थी इंसानी इल्म के जरिए मुमकिन नहीं थी फिर लिखते हैं द ओनली रीजन रीजनेबल कंक्लूजन इज दैट दीज डिस्क्रिप्शन बाई गॉड इसकी एक ही बात समझ में आती है जो अक्ल और तदबीर की वो ये कि ये वही रब्बानी थी जो अल्लाह ने अपने पैगम्बर मोहम्मद मुस्तफ़ा पे नाजि की थी

आज इंसान की तखलीक के ये सारे मज़ाहिर और अजायबात बयान किए कि किस तरह अल्लाह की जात है और उसकी भेजी हुई वही हक है और उसके मबूस किए हुए पैगम्बर नबी और रसूल हक और आखरी हैं और आखिरी पैगम्बर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि सल्ला हक हैं जो जो अल्लाह अल्लाह के रसूल ने बताया सेहत के साथ उसकी तईद व तस्दीक आज साइंस ने कर दी है और मैं समझता हूं कि जितनी खिदमत साइंस ने कर दी है दीन की कुरान की सुन्नत नबवी की साइंस ने जितनी खिदमत कर दी है शायद किसी और सब्जेक्ट में तारीख में किसी सब्जेक्ट ने ऐसे की हो ना कोई कर सकेगी साइंस शहादतें एविडेंसेस देती चली जा रही है कुरान के सच होने की अल्ला और उसके रसूल के हक होने की और दीन इस्लाम और मजहब इस्लाम की तलीमत के मबनी पर हक होने की अब जब आपने ये शहादतें सुन ली शहादतों के बाद आए थोड़ा आखिर के चंद मिनट तस्करा कर लें उन लोगों का जिन्होंने शहादत से बढ़कर मुशाहदा किया ये आयात रब्बानी की शहादतें अल्लाह की निशानियों की शहादतें हैं जो कुरान में कहता है सन उरी हम आयात ना फिला और कुरानी अल्लाह पाक ने पेशीन वो ही दी फरमाया बस वेट करो इंतजार करो सन उरी जल्दी हम मुस्तकबिल में तुम्हें दिखा देंगे दिखा देंगे अपनी निशानियाँ इस सारी कायनत के अंदर भी जिसका जिक्र कल होता रहा है परसों और फिर अनखों से कम तुम्हारे अपनी जानों के अंदर भी आज जानों के अंदर अल्लाह की निशानियां बिखरी पड़ी हैं अल्लाह की कुदरत की निशानियां हमारी जिंदगी के अंदर लम्हा लम्हा मौजूद हैं फिर इंशाला जिंदा होने के बाद हमारा जो जिस्म है इस पर भी मैं दो नशितें सब्जेक्ट पर और हैं कल और परसों की तो इनशाला उस पर भी आऊंगा कि हमारी चलती फिरती जिंदगी में अल्लाह की निशानियां इस वजूद में क्या है ये थी शहादत अल्लाह के ऐसे लोग भी हुए जिन्होंने मुशाहदा किया अपने दिलों में उसके हुसने मुतल का और उस मुशाहदा में गुम हो गए आइए उनसे सुने उनसे मिलें उनसे ताल्लुक जोड़ें उनसे सीखें ताकि गर्द वारी कल्ब बातिन की धुल जाए हमें भी उन तजल्लियात में से कुछ नसीब हो सके उस नूर में से हमारे कल्बोब बातन में भी, भी कुछ इनकास हो जिन तजलियात ने उनके दिलो दिमाग को और ज़ाहिर बातिन को रोशन कर दिया था मगर ये रास्ता कैसे खुलता है आज जिक्र करते हैं चंद मिनट्स के लिए नशिश के अख्ताम पर ताकि दूसरी दुनिया में भी जाके देख लें उधर से भी हुआ हजरत सुल्तानफी बाजी बस्तानी रजियन का कर हजरत बाजीद बस्तानी रजी अल्लाह तुकी वफात दो सौ चौतीस हिजरी में हुई थी और बाद सीरत निगार उलमा के नजदीक दो सौ इकसठ हिजरी में सवाल अलग है तो आप यूं समझ रहे हैं कि तकरीबन तो अढ़ाई सौ हिजरी के लगभग आपका विषाण हुआ है क्योंकि उनका जिक्र आज मैंने चूज किया और मैं उनके मुबारक अकवाल कुछ बताने वाला हूं एक चीज मेरे जहन में आ गई उनके हवाले से कुछ गलत फहमियां लोगों में चलती हैं मैंने चाहा कि उसको क्लियर कर दूं उनके फरमोदात का कर तस्करा करने से पहले ये दो सौ चौंतीस में वफात पाते हैं हजरत सुल्तान आरिफीन बास्तानी अजल आरिफी और आशीन के इमाम जिन्होंने लाखों को ईमान की दौदत से बहरा याद किया और हजार हा वली पैदा किए हजार हा लोगों को अल्लाह का कुर्ब दिया अल्लाह की मारिफत दी उन्हें तकवा के जैवर से नवाजा उनके अमाल व अहवाल दुरुस्त किए बड़ा ऊंचा मर्तबा पाया इनसे एक तो अहदीस भी मरफू रिवायत के साथ आके इस्लाम तक इनकी अपनी सनत के खास साबित है इमाम से बाद ने जिक्र किया इमाम जाबी ने इमाम सोलमी ने कई ने बयान दिया एक, एक हदीस सब ने बयान किया उनके बारे में गलत फहमी है कि कुछ अखबार उनकी तरफ मनसूब किए गए तो कबल इसके कि मैं चांद एक चीजें आपके फरमदात में से सुना दूं मैं चाहता हूं वो मुगालते की गर्द दो लू कुछ अखबार उनकी तरफ मंसूब किए गए मैं उनका जिक्र नहीं करता जो समझने वाले हैं आपने से पढ़ने वाले समझ जाएंगे वो अकबाल गलत मनसूब है वो अकबाल गलत है याद रख लें अच्छा उनकी तरफ नस्बत करना अकबाल का ये भी गलत है और बाद लोग उनकी जस्टिफिकेशन देते तावील करते हैं वो भी गलत है तावील करने की जरूरत तब होती है पहले उस कौल की सनत साबित हो कि वाकई उन्होंने ये कहा सनत से यह कौल ही साबित नहीं है तो तावील करके ऐसे क्यों सब्जेक्ट को मुगालते में मुबतलात कहना दुरुस्त नहीं उनका विलायत और मारिफत में मुकामो मरतबा इतना बुलंद था क्षति छोटे दर्जे के लोगों की होती जिन पर हालत जज्ब का गलबा होता है और कभी कभी वो होश से बाहर चले जाते हैं ये बहुत इब्तदाई अहवाल होते हैं बुलंद पाया आरिफ वली उल्ला। जो आरिफों का भी सुल्तान और इमाम हो वो इससे कहीं दूर शख्सियात उनकी गर्द में भी पीछे रह जाती इनका मुकाम ऊंचा होता और मैंने इनकी कुल कुतुब देखी आप देखिए यानी इनकी वफात जैसा कि मैंने अर्ज किया दो सौ चौतीस के जमाने में हुई और बाजों के नजीक दो सौ इकसठ में जो तस्करे बड़े बड़े आइम्मा ने मुहदसीन ने सूफिया और महत्कीन ने लिखे आपके हालात पर इब्तदाई दो तीन सौ साल तक उनमें से किसी किताब में उन शतियात का सो कौड़ और उन रकवाल का जिक्र नहीं है इनसे यह साबित होता है कि वो अकवाल आपके नहीं थे वो फरमुदात आपके नहीं थे सबसे पहली किताब जो आपके जमाने के बाद अपीयर हुई जिसमें आपका तस्करा मिलता है और मुस्त किताब सूफिया और आरिफिन पर मुतबात तो सूफिया है इमाम अबू अब्दुलरहमान असुलमी की इमाम अबू अब्दुलरहमान सुलमी तीन सौ में पैदा हो और 412 में आपकी वफात है गोया उनकी पैदाइश हजरत बुस्तानी के कोई तकरीबन पचहत्तर साल के बाद है। उनके जमाने के बिल्कुल करीब तरीन उनकी किताब तबकात तो सूफिया है उसके अंदर हजरत अबी रजियाल्लास्त तस्करा और सूफिया का तारीख इस्लाम में नहीं तबकातِ सुलमी। और ये इमाम सुलमी खुद सिर्फ सूफी और वरी है इमाम इमाम जो हदीस की सबसे बड़ी किताब है हर तीसरी चौथी आपसे रिवायत की है इमाम, इमाम हाकिम इस जैसे पाए के लोग बिलवास्ता बिला के तना ये एक जमाना है और इनका मर्तबा मुसलम है कोई इमाम सोलमी के मुकाम और मर्तबा पे उंगली नहीं उठा सकता मुहदस है सूफी हैं।, हैं उन्होंने पूरा चैप्टर बनाया है इमाम अबू जजीदामी पर आपकी सो कॉल जो शतियात कह के हम समझते हैं उसके किसी कॉल का जिक्र नहीं किया इसका मतलब है हजरत अबाजीबस्तानी के वफात के पचहत्तर साल या सौ साल के बाद ज़माने तक ऐसे कोई अकबाल फिजा में एग्जिस्ट नहीं करते थे जमीन में उनका वजूद नहीं था कोई चीज आपकी तरह मनसूब नहीं थी वरना इमाम अबू अब्दुलरहमान सुलमी सबसे पहले शख्स होते कि तस्करा अबू यजीदामी में लिखते देखिए सबसे बड़ी सनात इसके बाद मैंने देखा अगली किताब है इमाम अबू बहुत बड़े मुहदेसों गुजरे हैं उनकी किताब हिलियतौलिया इमाम अबू निलादत तीन सौ छत्तीस हिजरी में हुई यानी इमाम सुलमी के ग्यारह साल बाद पैदा हुए तो गोया इनका ज़माना भी हजरत बा अबा यजीबस्तानी रजी अल्ला वफ़ात के, के बाद शुरू हो जाता अस्सी नबे साल बाद यानी एक सदी के अंदर अंदर हुए और बहुत बड़े अजीम मुहदस हैं तो अजीम शान किताबिलियत अलौलिया तो इनका चैप्टर है इन्होंने भी ऐसी कोई चीज नकल नहीं की जिसका मतलब है कि हजरत बाज़ीद अबाजामी के, के विशाल के सौ साल डेढ़ सौ साल बाद तक ऐसे कोई अकबाल दुनिया में आपकी तरफ मनसूख नहीं थे इसके बाद एक क़दर इमाम है इमाम अबुल अबुलकाश मलखुशहरी इमाम अबुल अबुलकाशिम अलकुशहरी और रिसाला अल कुशहरिया के मुसलिफ हैं और ये दाता हजूदाता अली अलीवेरी रजी अल्लाह तआला के दादा शेख हैं इनके दादा शेख हैं हजूर दाता गंजब्श् रजी अल्लाह तआला इमाम कुशहरी भी मुसलम फकीह मुफस्सिर और सूफी और आरफ और मुतकलम यानी ये वो हस्तियां हैं जिन पर कोई उंगली नहीं उठाता इन्होंने रिसाला को कुशहरिया में हजरत बा यजीत बस्तानी का जिक्र किया तस्करा किया बड़े अली शान अल्फाज में बड़े उमदा अली शान अल्फाज में मगर ऐसी कोई चीज़ इन्होंने तस्करा नहीं किया आपके ऐसे अकवाल का इसका मतलब पता ये चला कि इमाम सुलमी तक भी ये कॉल नहीं पहुँचे थे इमाम अबू नुएम तक भी नहीं पहुँचे थे इमाम कुशहरी तक भी नहीं पहुँचे थे गोया हजरत बा बस्तानी के विसाल के बाद इब्तदाई दो तीन सौ सालों तक इन अकवाल का कोई नामो निशान दुनिया में नहीं था आपकी तरह मनसूब नहीं थे और अगर बाद में किसी ने जिक्र किया अल्लामा ज़हबी ने पहली मरतबा जिक्र किया और यह कहा कि साबित नहीं है यह अकवाल आपकी तरफ यह कहा अपनी किताब के अंदर और वो हुए हैं इमाम हजरत अब्बाजी से साढ़े चार सौ साल के बाद आए हैं इससे साबित हुआ कि गोया चार सौ साल बाद तक हजरत बा की वफात से बाद में चार सौ साल तक ऐसे अकबाल आपकी तरफ मनसूब नहीं थे तो चार सौ साल गुजर जाए और उसके साढ़े चार सौ साल और पांच सौ साल बाद कोई तस्करा नवीस ऐसे कौल का जिक्र कर दे तो इसका मतलब है ये बातिल है इसमें किसी कुरेद की और मजीद तहकीक की जरूरत नहीं और इस पर तबसरा की भी जरूरत नहीं और न इसकी तावील करके इसके दिफा की जरूरत और अलामा जहबी ने जब यानी साढ़े चार सौ साल के बाद लिखा तो लिख के तो उसके अंदर खुद कहा कि यह चीज साबित नहीं है गैर मुशदा है खुद का गैर मुसदा और जो लोग कहने लगे उनके जमाने में समझते हैं कि ये दुरुस्त है अकबाल तो फिर वो इसके हाल की तरफ करते हैं उस वक्त बहस शुरू हो गई थी चार सौ साल के बाद और जो जलील और कदर आईमा पहले हो गुजरे उनके यहां इसका जिक्र नहीं मिलता जिसका मतलब है ये बाद में गढ़ी गई मनसूब की गई और अलामा जहाबी ने उसका जवाब दिया है और एक किताब है जिसका हवाला आमतौर पर हमारे उलमा वायजी मुक्रीन जोशर शौक में देते हैं शेख फरीदुद्दीन अतार का ये तो फिर उससे भी और बहुत बात पाँच सौ तो चार साल बाद की किताब है तो बगैर सनद के बग़ैर सनद के साढ़े चार पांच सौ साल बाद लिखी जाने वाली कोई किताब और बगैर सनद के वो कॉल मनसूब कर दे तो उसको कबूल नहीं किया जाता उसको परखा जाता है इमाम बाजीद बुस्तमी हों या जुनेद बगदादी हों या सरी सकती हों या मरूफ़ करखी हों या जुन्नून मिसरी हों या अबू बकर शिबली कोई उस जमाने के सलफ साल के अलिया हो उनके तमाम तालीमात और अहवा पर परखा जाएगा अगर वो चीज़ उनसे मुताबकत नहीं रखती तो रद्द कर दिया जाएगा समझे ऐसी चीज़ें जो बाद में लिखी गई जैसे तस्कर में अगर आया तो मैंने तस्कर शेख फरीदुद्दीन अतार की 1971 72 में पढ़ी थी 1972 में यह किताब पढ़ी थी मुझे जरूरत थी एक थीसिस के लिए रिसर्च के लिए तो मैंने 1972 में यह किताब भी विराजमान की यह 627 में इनकी वफात है शेख फरीदुद्दीन अतार की यानी इनका जमाना हजरत बा यजीद मुस्तमी रिजि अल्लाह तआला अन से 4 450 साल, साल बाद का है। तो ये नहीं। इसका मतलब है तीन सौ साल के बाद ये चीजें किसी ने गढ़ी हैं मनसूब की हैं उनकी तरफ जो किताबों में आई लिहाजा ऐसी चीजों को रद्द कर दिया जाए तो मैंने तसकरतलौलिया उन्नीस सौ इकहत्तर बहत्तर में पढ़ी तो इसका इमाम हसन बसरी का एक बाप पढ़ा वो पहला बाब पढ़ के ये किताब मैंने रख दी थी कि ये किताब गैर मुसदा है गैर मुस्त है गैर मुतबर है ये शेख फरीदुद्दीन अतार की नहीं गलत तौर पर मनसूब की गई है

इमाम हसन बसरी की विलादत ही फारूक आजम के दौरे खिलाफत के आखिरी दो साल खत्म होने से दो साल कबल इक्कीस हिजरी के करीब हुई इनकी तो पैदाइश आकाल इक्कीस साल बाद हुई है विलादत इन्होंने हजूर इस्लाम की हयात तय्यबा में इनका बचपन दिखा दिया तो 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 बेटे ये किताब मनसूब है झूठी उनकी किताब ही नहीं है साबित नहीं खैर मुसल चीज़ें मनकूल हो जाती शेख सादी शिराजी की तरफ एक तर्जमा कुरान मनकूल है पाकिस्तान में छपता है इंडिया में छपता फारसी में यह तर्जा हजरत शेख सादी शिराजी का ये उनका तर्जमा है नहीं साबित ही नहीं है खुदा जो कब लिखा गया किसने लिखा उनके नाम मनसूब कर दिए तो अकबार हजूर हद, की हदीस में मौजूद चीजें दर्ज कर दी जाती थी अदीस नब में ये तो औलिया का तस्करा है वो तो, तो मामूली उससे छोटी चीज है तो ऐसे लोग भी तो हुए ना जिन्होंने जुरत की हदीस नबवी में गढ़ कर चीजें दाखिल कर दी और कहा यह हजूर की हदीस तो मुहदसिन को जर वादी के जरिए क्लैरिफाई करना पड़ा तो ओलिया के तस्करों में भी मन गलत चीजें मनसूब हो गई किताबों की किताबें मनसूब हो गई उनकी तरफ गलत तो अब लिखने वाले ने कुछ लिखा था बाद में कुछ लोगों ने दीन में फितना पैदा करने के लिए तालीम को मस्क करने के लिए गुमराही फैलाने के लिए और चीजें ऐड कर दी नई किताब मनसूब कर दी नई चीजें रद्द बदल कर दी तो रद्द बदल करके वो फैल गई तो जिन्होंने लिखी थी किताब वो घर में बड़ी रह गई आप यूं समझें जब आपके पास ऐसी कोई किताब का हाल आए तो देखें कि पाकिस्तान के ये जो अभी इंतबाब हुए हैं फरवरी में आठ नौ फरवरी के उसकी जुबान में बात समझाता हूं बड़ी आसानी में चल जाती कोई ऐसी किताब आपके हाथ आए तो देखें यह किताब फार्म पैंतालीस की है ये फार्म फार्मीस की है यह किताब जो है फार्म पैंतालीस के कागजों से छपी हुई है यह फार्म सैतालीस के कागजों में छपी हुई अब आप देखें ना पूरी असम्बली हुकूमत फार्म सैतालीस के साथ बन गई है ना तो कोई चल रहा है बस चलता इस तरह किताबें भी चलती है फार्म 45 मुसनफ के घर में रह गए फार्म पैंतालीस की किताब में चल पड़ी सनत देखनी चाहिए सनत और सन देखें सन ये किताब वो शख्स हस्ती कब थी किताब लिख के कब गई दरमियान के गैप की कोई सनद है पता चले कि आठ फरवरी की है या नौ फरवरी की है यह जांचना चाहिए आठ फरवरी का रिजल्ट और होता है नौ फरवरी का और होता है तो किताबों में भी आठ और नौ फरवरी है किताबों में भी फार्म पैंतालीस सैतालीस है हदीसों में जालसाजी की मुहदसिन ने दिफा कर दिया हदीस नबी का मगर तस्करों की किताबों में कोई जर व नहीं था वो किसी ने नहीं किया वो किताबें पढ़कर आलिम का काम है वो मिजाज शनास होता है उस वली का उस मुसनफ का उस इमाम का वो पहचान जाता एक सभा पढ़ के कि ये किताब उनकी है या नहीं एक सभा पढ़ हज़ू ख्वाजा अजमेर गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रजी अल्लाह तआला त और इस तरह उस जमाने के और कई औलिया की तरह मनसूब रसायल है। हैं कुतुब हैं कई चीज़ें मनसूब हैं आप उनको पढ़ें मेरे पास बैठ के पढ़ें खुद उठा के देख लें एक सफा पढ़ के आगे जाने की जरूरत नहीं वो सफा की इबारत बता देगी कि यह उनके ज़माने की इबारत ही नहीं है यह उनके दौर का कलाम ही नहीं है यह उस जमाने का तसव्वुफ ही नहीं है यह उस वक्त का बयान ही नहीं है ये कई सौ साल बाद इंडिया का जो तस्वर है उसके अंदर घड़े हुए तस्वर में मबनी किसी शख्स ने लिखे हैं रसायल या किताबें और उन बुजुर्गों के नाम मनसूब कर ली उसमें गलत भी सच भी झूठ सही दुर् सब आ जाता है लिहाजा येमा का का काम है तफरीक करें क्योंकि इन किताबों में जर का कालम नहीं है फिर ये चीजें बगैर सनत के होती हैं तो इसका इसार है सनत चूंकि नहीं है लिहाजा मुस्त आल मुहदस चाहिए जिसकी किताब हो तो उस पर एतमाद करें अगर मुस्तंद मुहदस और महक्क नहीं है तो आम आदमी है तो फिर वो किताबें उस पर बहस व तमीज नहीं करनी चाहिए यह आली कदर हस्तियां हमारी बदगुमानी के तस्वर से बहुत बुलंद हैं इन्हीं के जरिए दीन का फैज हम तक पहुंचा है इनके जरिए रूहानियत की खैरत पहुंची है इनके जरिए लोगों के अमाल अहवाल सम हैं लिहाजा जब इनका मामला आए तो बड़ी एहतियात से काम लेना ओलमा का काम मैं इनके कॉल पे एक दो अकबाल पर बात खत्म करता हूं। अबू मूसाइबली है और बात किताबों में अबू मूसा दबीली का लफ भी आता है मेरा के साथ फर्क आता है दबीली वो कहते हैं वो हजरत बाजिय बस्तानी रजी अल्लाह के खुद दाम में से थे बस्तम के एक वरी थे बड़े आरफ उनकी रिवायत करते हैं उनकी वो कहते हैं वो आरिफ कहते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा ख्वाब में कि अल्लाह रब्बु लइजत फरमा रहे हैं मुझे उस वक्त के वलीउल आरिफ को फरमा रहे हैं यकूलु कुलकुम ततलबून मिन्नी गैर अबी यजीद फइन्नहि यत इनहू यतलबुनी व यूरिदुनी व अना तुम सब मुझसे तलब करते हो तुम सब मुझसे तलब करते हो सिवाय अबू यजीद के अबू यजीद एक वाद शख्स है जो मुझसे तलब नहीं करता बल्कि मुझ, मुझ, मुझ ही को तलब करता है मुझे तलब करता यह फर्क है आम सालेहीन में और में और अबू यजीद बुस्तामी के मुकाम पर कि वो मुझसे ही को तलब करता है और वो मेरा इरादा और ख्याल करता है और मैं उसका इरादा और ख्याल करता यानी वो मेरा तालिब है और मैं उससे मोहब्बत करता हूँ उसका तालिब ये जो कौल है इमाम अबू अबीज बुस्तामी का एक बड़ा मारूफ कौल है तमाम तो में से आपका मुकाम व मरतबा मालूम करें अल्लाह रबुलजत ने रूहानी तौर पर आपसे पूछा ए बाजीज तो क्या चाहता है तो क्या चाहता है आइये अगर अल्लाह से लो लगानी है अपने अहवाल को दुरुस्त करना है अपने मन को और कलूब और अरवाह को साफ पाक तयब करना है और बारगाह की तजलियात से रोशन करना है और दुनिया और नफ्स की सारे धंधों से निजात पानी है और दिल को मौला की मोहब्बत के लिए खाली करना है तो उस इरादत की तरफ आना होगा जिस इरादत का सबक हजरत अबा यदीद मुस्तमी ने दिया आपसे पूछा मौला ने माजा तुरीद या अबा यजीद तू क्या मांगता है क्या चाहता है बा यजीद यजीदी ने जवाब दिया अल्लाहुम्मा इन्नी उरीद अल्लाह उरीदा तुरीद ए मौला मैं ये चाहता हूँ सिर्फ यह चाहता हूं कि और कुछ ना चाहूं सिवाय उसके जो तू चाहता है मेरा इरादा तेरे इरादे में फना हो जाए मेरी चाहत तेरी चाहत में फना हो जाए मेरी तलब तेरी तलब में फना हो जाए मेरी जिंदगी की, की, की अपनी कोई ख्वाहिशात न रहें कोई तलबात ना रहें कोई रगबात ना रहें कोई तरजीहात ना रहें जो तू चाहे मेरी जिंदगी की सारी चाहते तेरी एक चाहत में फना हो जाए ये है इरादत अब ये जो कौल है बात आपके लिए अहद इल्म के लिए वो तो कोई समझे कि शायद ये तसव्फ़ की किताबों में आया है पता नहीं इतनी बड़ी अली बात ठीक है नहीं अंदाजा कर लें आप इससे हजरत बा बुस्तामी के मुकाम मरतबा का भी जायजा लें अमा अबिन तैमिया ने इसकी तस्दीक की है और उनके मुकाम व मरतबा को बयान करते हुए अपने मजमू और फताबा में बयान किया तो और लामा तैमिया किस मिजाज के किस मसलक और तबीयत के आदमी हैं वो आपको मालूम है आपको अच्छी तरह मालूम मजमू मजमूल फताबा में तमिया वो कहते हैं कि हजरत शेख अबू यजीद ने जब यह कहा उरीदो अल्लाह उरीद मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि कुछ भी ना चाहूं सिवाय उसके जो मेरा मोलाचा चाहे कहने लगे इससे मुराद ये है कि ये वो अल्लाह के इरादे में फना होना चाहते हैं ताकि उनकी सारी मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत में फना हो जाए इनकी रजा अल्लाह की रजा में फना हो जाए तो जब बंदा इस दर्जे में चला जाता है तो वो बंदा अल्लाह का, का मुहिम ही नहीं रहता अल्लाह का महबूब बन जाता है अल्लाह का तालिब ही नहीं रहता अल्लाह का मतलूब बन जाता है फिर अल्लाह उसको चाहता है ये अल्लामा अबन तैमिया ने बयान किया और फिर अलामा अब ने मदार जो सालकिन में तस्री की उन्होंने किसी अमर की तस्री की इतने बड़े मुहदसिन जो यानी अपने मिजाज और मिनहज के अतबार से और तबीयत के मुहद्दे हैं और फोकहा हैं उन तक ने तकम की है और इस तरह बयान किया और हजरत अबाजी मुस्तानी फरमाते हैं आपका कौल यह है कि तीस साल तक मैंने मुजाहदा किया तीस साल तक अंदाजा करें हमने कितने मुजाहदे किए अल्लाह को पाने के लिए और अल्लाह को मनाने के लिए दस रातों के लिए हम निकाल के जिंदगी भर पूरे साल का कुछ लम्हा आते हैं आज की दुनिया में यह भी गनीमत है वरना तो हर रोज हर रोज चंद लम्हे लम्हा एहतिकाफ हुआ करते हैं पहले जमानों में हर लोग हर शख्स पहले जमानों में जिसका अल्लाह के साथ कोई ताल्लुक था ईमान की मजबूती थी वो हर दिन या हर रात में कुछ ना कुछ लम्हाते एहतिकाफ होते थे वो अल्लाह के साथ लो लगा के बैठता था अल्लाह की याद में सर झुका के बैठता था उसकेश्क और मोहब्बत में कुछ जुड़ा रहता था हम तो साल में चंद दिनों की तलाश में होते हैं अगर इन दिनों और रातों को इस काबिल बना लें कि ये एक तसलसल पैदा कर दें आपके ताल्लुक का जो अल्लाह के साथ जुड़ जाए अल्लाह पाक इसमें भी खैरत के चश्मे पैदा कर दे मुजाहदा के बगैर कुछ नहीं मिलता फरमाते मैंने तीस साल मुजाह किया तीस साल मुजाह किया माँ वज तो शई अन अशद अलीबाते ही मैंने कोई चीज इम और उस पर अमल करने से बढ़कर मुश्किल नहीं पाई लोग इल्म हासिल कर लेते हैं अजीजा ने महतरम इलम हासिल कर लेते हैं हम तो इल के केत नहीं करते हम तो इल को हासिल करने पर भी मेहनत नहीं करते इतनी तन आसानी इस दौर में आ गई है इतनी तन आसानी और वो फरमाते हैं कि लोग इल्म हासिल कर लेते हैं मगर इल्म हासिल करने से भी बढ़कर असल मुकाम मुश्किल जहां मर्द की मर्दानगी का पता चलता है कि जो इल्म उसके पास है उस पर अमल कितना है उस इल्म पर अमल कितना है जो शख्स इल्म नाफ़े हासिल कर ले और जो इल्म अल्लाह रसूल का किताब सुनत का शरीयत के और नवाही का खैर शर के फर्क का उसको मिल गया अपनी जिंदगी में उस इल्म को नाफिज कर ले उस इल्म पर अमल पैरा हो जाए इल्म की मुताबात कर ले तो जब वो इल्म की मुताबात कर लेगा तो इल्म उसके लिए नूर बन जाएगा उसके मन के अंधेरे दूर हो जाएंगे फरमाते हैं हजरत रजील्ला आपसे पूछा गया कि आरिफ की पहचान क्या है आरिफ की पहचान क्या है आपने फरमाया अल्लाह का आरिफ वो है कि जो कभी अल्लाह के जिक्र से उसका जीना भरे अल्लाह की याद से कभी जीना भरे और अल्लाह का हक अदा करते करते कभी थके नहीं और अल्लाह के सिवा किसी और से उसको मुआंसत ना हो किसी और के ताल्लुक में उसे वो लज्जत न मिले वो सुरूर न मिले वो कैफीजत न मिले जो उसे अल्लाह को याद करके मिलती है अल्लाह के हजूर सजदारेजी में जो उसका हाल होता है उसके कल्ब का सुरूर होता है वह सुरूर उसे जिक्र इलाही के अलावा कहीं और ना मिले आप फरमाते हैं बा, कि जब मैंने सफर शुरू किया अल्लाह की मार्फत का अल्लाह की तरफ सफर शुरू किया सुलूकी अल्लाह तो शुरू शुरू में फरमाते हैं कि मैंने चार चीजों का मुझे मुघालता था चार चीजों में समझने में गलती हुई मैं ये समझता था कि बंदा जिक्र करता है अल्लाह का मैं ये समझता था कि बंदा अल्लाह की मारफत हासिल करता है मैं समझता था कि बंदा अल्लाह से मोहब्बत करता है मैं समझता था बंदा अल्लाह को तलब करता है मैं जब मैंने सफर मुकम्मल किया मेरी बहनों मेरी बेटियों और मेरे भाइयों और मेरे बेटो समझो वो कहते हैं जब मैंने सफर मुकम्मल किया तो मेरी गलतफहमी दूर हो गई मुझे सफर मुकम्मल करके समझ आया कि बंदा किसी में भी पहल नहीं करता पहले अल्लाह याद करता है बंदे को तो फिर बंदा उसको याद करने लग जाता है पहले बंदा याद नहीं करता अल्लाह याद करता है पहले अल्लाह बंदे को तलब करता है तो बंदा फिर तलब करने लग जाता है पहले अल्लाह बंदे से मोहब्बत करता है फिर बंदा अल्लाह से मोहब्बत करने लग जाता है तो इस तरह कदम पहले अल्लाह की तरफ से उठता है फिर बंदे की तरफ से उठता है और ये तकदम तखुर किस तरह होता है कि अल्लाह की तरफ से पहलो वो ये कि अल्लाह हर रोज अपने मोमिन बंदों के दिलों पर निगाह डालता है हर रोज अपने ईमान वाले बंदों के दिलों पर निगाह डालता है और जो अल्लाह की मोहब्बत का दावा करते हैं एक दिन में सत्तर सत्तर मरतबा अल्लाह की निगाह उनके दिल पर पड़ती है जब अल्लाह देखता है सत्तर मरतबा रोजाना देख कर कि मेरे इस बंदे के दिल में मेरे सिवा किसी और की तलब नहीं है मेरे सिवा किसी और की मोहब्बत नहीं है मेरे सिवा किसी और का शौक नहीं है मेरे सिवा किसी और की मोहब्बत में फना नहीं जब देखता है मौला के इस बंदे का दिल मेरे लिए खाली है मेरी खदमत गाह है अल्लाह फिर उसके दिल में अपनी मोहब्बत डाल देता है अपनी तरफ डाल देता है अल्लाह उसको मोहब्बत करने लग जाता है अल्लाह पाक खुद उसका तालिब बन जाता। जिसको हदीस पाक में सलाम ने आकाशी में फरमाया कि अगर बंदा अगर एक कदम चलता है और चल के जाता है तो अल्लाह बंदे की तरफ दौड़ कर आता है एक रोज कहने लगे ऐ मेरे मौला मेरे मौला, ये मेरी फरहत का और मेरी लज्जत और सरूर और खुशी का आलम है कि जब मैं तेरी में खड़ा डर रहा खौफ ज्यादा हूं कि कहीं तू नाराज ना हो जाए कहीं सजा ना दे दे कहीं अजाब वालों में, में मेरा नाम ना लिखा जाए मैं डर रहा हूं और अर्ज किया बारी ताला तुझसे डरते हुए लफत और सरूर का आलम यह है उस सरूर का हाल क्या होगा जब तू सारे खौफ दूर कर देगा और अपनी बारगाह से अपनी अमान में ले लेगा यानी जन्नत में जब तू नूर की कुर्सी पे जलवा घर होगा और पर्दे हटा दिए जाएंगे और जुमा का दिन होगा और हुक्म होगा के आशिक जमा हो जाए आज अल्लाह का दीदार होने वाला है यौमुल मजीद और सारे आशिकों को जन्नत की कुर्सियों पर बिठाया जाएगा हुक्म होगा बारी तआला का फरिश्तों आज पर्दा उठा दो सारी जिंदगी मेरे दीदार के लिए तड़पने वाले आज मजलिस में है मेरा दीदार कर ले तो जब आमन हो जाएगा खौफ दूर हो जाएगा तो आमने सामने बैठा लेगा बारी ताला उस वक्त लज्जत सरूर का आलम क्या होगा आज हम जो पोशीदा है और हम डरते हैं तो उस डरने की लज्जत यह है तो तेरे मिलने की लज्जत क्या होगी अल्लाह अल्लाह अल्ला। ये वो लोग थे जिन्होंने ये मुकाम पाए मगर रजीजा ने मोहतराम इन मुकाम को पाने और अल्लाह की कुर्बतों को पाने के लिए दुनिया की हिरसो हवस को खोना पड़ता है हम चाहते हैं कि सयाद भी राजी रहे और बाघ की भी माली की भी खैर हो ऐसा नहीं हम दुनिया से लो लगा के दिल में तो दुनिया के बुत पाले हुए हैं हमारा दिल बुतखाना खाना है टेंपल है दुनिया की ख्वाहिशों का माल का दौलत का ताकत का सल्तनत का बुत इज्जत का बुत जाओ मनसब का बुत मैं 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 हम तो सारी जिंदगी मैं को पालते हैं और मैं की पूजा करवाते हैं अपने नफ्स की राहत के सिवा हम तो किसी चीज के तलबगार नहीं हैं तो जिनकी शबो रोज नफ्स के बुध की पूजा में जिंदगी बसर हो और जिनके दिल में सिवाय दुनिया मादी दुनिया की अंदर माल दौलत इज्जत ताकत जाहो मनसब के हिर के सिवा कुछ ना हो वो चंद लम्हों के लिए समझे कि मुझे अल्लाह राजी हो जाए और मैं अल्लाह से मिल जाऊं तो रास्ते इस तरह नहीं मिलते अल्लाह को पाने के लिए उस वसल के लिए कुछ फसल करना पड़ता है किसी शहर से दिल को काटना पड़ता है तब जाके दिल उस रब और मौला के साथ मिलता है ये वासिलीन थे ये वो थे जो उससे जुड़ गए और जुड़े तब जब उसके गैर से कट गए। इतिकाफ की रातें ऐसी कैफियत पैदा करें कि दिल दुनिया के हिर और तलब से कट जाए ताकि उसके अंदर ये सलाहियत पैदा हो कि बारगाहे और मौला की बारगाह के साथ जुड़ सके Allah पाक ने हमारे जिस्मों के अंदर एक अर्श रखा है यानी बनने की सलाहियत दी है अर्श बनने की वो हमारा कल्ब है हमने उसको फर्श बना रखा है जो रगेदा जाता है माददी दुनिया मगर इसमें सलाहियत है कि अगर इसको हवाओं हवा से निकाल लें तो यही कल्ब जो फर्श है ये एक नमहे में अर्श बन सकता है बस लॉ को तब्दील करने की जरूरत है यहां आपका शबो रोजाना ईमान को मजबूत और मस्तकम करना दीन को अल्लाह की मारफत को समझना और अल्लाह की चाहत को मजबूत करना उससे मोहब्बत का तरीक सीखना उससे शौक व लिखा की बातें सुनना और उन सुनने की लफत को लेना लफत को मन में अपनाना फिर उसको जिंदगी में जारी करना फिर उस पर अमल करना फिर उस पर अपना बिहेवियर जिंदगी का पूरा तौर तरीका कायम करना ताकि कोई लम्हो लाजा अल्लाह की रजा के खिलाफ न गुजरे अल्लाह के अमर और नहीं के खिलाफ न गुजरे जो जो आप इस तरफ बढ़ते चले जाते हैं वो आपको करीब करता है और उस फसल के नतीजे में फसल की नेमत से नवाजता है अल्लाह पाक हमारे हाल पर कर्म करें और सबको अपनी खुशी लुफ्फ इनाम से नवाजे असलम वरह वकू